नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी डैम में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, तो ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज गिनिंग परसेंटेज ऑफ अमेरिकन कॉटन इज, अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत कितना होता है। हमारे पास ऑप्शन है 30%, 25%, 20% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिकन कपास में रेशे का प्रतिशत 30% होता है। अमेरिकन कपास में रेशे, जिसको जिनिंग बोलते हैं, का प्रतिशत 30% होता है। साधारणतः कपास में रेशा का प्रतिशत 33% होता है। कपास के बीज में 15 से 25% तक तेल पाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डेपोक विधि द्वारा उगाई गई धान की पौध रोपाई के लायक कितने दिनों में हो जाती है। द राइस सीडलिंग्स रेज्ड बाय डेपोक मेथड बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन, मतलब कि जो डेपोक विधि से जो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो वो पौध कितने दिनों में तैयार हो जाती है। हमारे पास ऑप्शन है 12 दिनों में, 18 दिनों में, 24 दिनों में या फिर 30 दिनों में। तो इसका सही जवाब होगा डेपोक विधि से जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो वह 12 दिनों में पौध तैयार हो जाती है। धान की नर्सरी तैयार करने की यह विधि फिलीपीन से आई है, मतलब कि डेपोक विधि इंट्रोड्यूस हुई थी फिलीपीन से। इस विधि में बीज बोने के 12 से 14 दिन बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। इस विधि में 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्षेत्र के हिसाब से धान के बीजों के बिना मृदा के फर्श या लकड़ी की सतह पर गीला करके जूट के हॉट पॉलिथीन से ढक दिया जाता है। इस विधि में तैयार किया गया नर्सरी को 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र धान के खेत के 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में बुआई की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो डेपोक विधि है, यह फिलीपीन से आई हुई है। इस विधि में 12 से 14 दिनों में पौध तैयार हो जाती है और इसमें सीड रेट बहुत ही कम लगता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द एवरेज जूस कंटेंट इन शुगर केन इज, मतलब गन्ना जो होता है उसमें रस की औसत मात्रा कितने परसेंट तक होती है। 75 से 80%, 60 से 70%, 55 से 60% या फिर 45 से 50%। तो इसका सही जवाब होगा द एवरेज जूस कंटेंट इन शुगर केन इज 60 to 70%। गन्ने में जो रस होता है उसकी मात्रा 60 से 70%, चीनी की जो मात्रा है वो 9 से 11%, गुड़ की जो मात्रा होती है वो 12 से 13%, राब की जो मात्रा होती है वो 18 से 20%, सुक्रोज जो होता है वो 12 से 14%, तथा जो शीरा होता है वो 3.5% तक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द सीड रेट ऑफ समर क्रॉप ऑफ मूंग इज, मतलब कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर क्या होती है। बीज दर वो होता है जब 1 हेक्टेयर में जितनी सीड की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग बीज दर कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर या फिर 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये रिक्वायरमेंट होती है ग्रीष्मकालीन में या फिर समर क्रॉप में। मूंग की जो बीज दर होती है ग्रीष्म ऋतु, जिसको जायद क्रॉप बोलते हैं, सीजन बोलते हैं, 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। मिश्रित फसल के लिए 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। खरीफ सीजन में 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है सीड रेट इसका। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई थी, मतलब कि पौधों के लिए आयरन इंपॉर्टेंट होता है, या किसने बताया था। हमारे पास ऑप्शन है ई ग्राइस द्वारा, सी स्प्रिंगल द्वारा, के वेरिंगटन द्वारा या फिर सी बी लिपमैन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा द एसेंशियलिटी ऑफ आयरन फॉर प्लांट वाज प्रूव्ड बाय ई ग्रीस द्वारा। पौधों में लौह तत्व की आवश्यकता इग्रिस द्वारा 1844 में बताई गई थी। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब कि कौन सा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में बताया है। जैसे ऑक्सीजन के बारे में डी सोसुरिन ने बताया था 1804 में, नाइट्रोजन के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था 1872 में, आयरन के बारे में ई ग्राइस ने बताया था 1844 में, कार्बन एंड हाइड्रोजन
के बारे में सैस ने बताया था 1882 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि किस वैज्ञानिक ने किस न्यूटन की इंपॉर्टेंस बताई थी और किस ईयर में बताई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मक्के के अंत प्रजात वंशक्रम के अनुसरण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं, मतलब इनब्रेड लाइन इन मेज क्रॉप इज मेंटेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बैड पॉलिनेशन या फिर सिव पॉलिनेशन। तो इसका सही जवाब होगा सिव पॉलिनेशन। मक्के की अंत प्रजात वंशक्रम के अनुसरण के लिए सहोदर परागण क्रिया का प्रयोग करते हैं। इस विधि में पूर्व में दो चयनित पौधों के संकरण से प्राप्त बीजों द्वारा उगे पौधों से परागण कराया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सिलेक्शन एक्ट ऑन वेरिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इन नेचर, वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने पर प्रभावकारी है। हमारे पास ऑप्शन है जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर। किसी शुद्ध वंशक्रम में वातावरण में भिन्नता होने पर वर्ण या सिलेक्शन प्रभावित होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वैरायटी रिलीज इन इंडिया इन 1970, मतलब कि भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म कौन सी थी। हमारे पास ऑप्शन है वाराणसी, H4, सावित्री या फिर गोदावरी। तो इसका सही जवाब होगा भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की जो वैरायटी रिलीज हुई थी उसका नाम है H4। विश्व का प्रथम संकर कपास H4 डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने सन 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित किया था। इन्हें ही फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर चंद्रकांत पटेल। H4 संकर के जनक G67 क्रॉस अमेरिकन नेटुरलस है। 1972 में वाराणसी किस्म और 1974 में सुवीन किस्म रिलीज हुई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, LJ स्टेडलर 1928 डिस्कवर्ड द इफेक्ट ऑफ एक्सरे एंड रेडियम इंक्लूडिंग म्यूटेशन इन केस ऑफ LJ स्टेडलर ने एक्स किरणों पर एवं रेडियम से निम्न के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की थी। किस क्रॉप में की थी, फल मक्खी ड्रोसोफिला में, बार्ले में, मटर में या फिर न्यूरोस्पोरा में। तो इसका सही जवाब होगा बार्ले में किया था 1929 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ ओनियन इज, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथकीकरण दूरी क्या होनी चाहिए, 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर या फिर 800 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 500 मीटर। यहाँ पे कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस दिया गया हुआ है, जैसे फसल है प्याज तो उसका आधारित बीज पृथकीकरण दूरी होगी 1000 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए होगा 500 मीटर। अगली फसल है गाजर, उसके लिए 1000 मीटर आधारित बीज के लिए और प्रमाणित बीज के लिए 800 मीटर रहेगा। अगला है गेहूं, धान, जौ, जई, चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, इसके लिए आधारित बीज की दूरी होगी 3 मीटर और प्रमाणित बीज की होगी 3 मीटर। नेक्स्ट क्रॉप है कपास, उसके लिए 50 मीटर होगा आधारित बीज की दूरी और प्रमाणित बीज की दूरी होगी 30 मीटर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड व्हाइल टेस्टिंग द कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन इनब्रेड लाइन, किसी इनब्रेड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस का प्रयोग में लाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, बैंक क्रॉस, टॉप क्रॉस या फिर वाइड क्रॉस। तो इसका सही जवाब होगा टॉप क्रॉस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान फसल की प्रजाति कौन सी है, सोनालिका, जगन्नाथ, किरण या फिर सविता। तो इसका सही जवाब होगा जगन्नाथ। भारत में धान की जगन्नाथ, प्रभावती, गौतम, CNM6, 20, 25, 31 व हाइब्रिड म्यूटेंट 26 आदि किस्में म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा विकसित की गई हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन F1 एंड एनी पेरेंट, F1 एंड डोमिनेंट पेरेंट, F1 एंड रिसेसिव पेरेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
एक सम युग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति कहलाती है, अंतः प्रजात, शुद्ध वंशक्रम, संश्लेषित या फिर संकुल। तो एक समयुग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति कहलाती है शुद्ध वंशक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर लाइन। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विनिसूत्री लिखा जाता है 2n-1, 2n-2, 2n+1 या फिर 2n+2। तो इसका सही जवाब होगा 2n-2। अगला क्वेश्चन हमारा, संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है ए लाइन, आर लाइन, बी लाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी लाइन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, जोधपुर में, झांसी में या फिर हैदराबाद में। तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट हैदराबाद। नेक्स्ट है IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर राजस्थान में है। और अगला है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारा, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, वो 14 होती है, 16 होती है, 20 होती है या फिर 24 होती है। तो इसका सही जवाब होगा मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। यहाँ पे कुछ क्रॉप की गुणसूत्रों की संख्या दी गई है, जैसे मसूर हो गया 2n=14, चना 2n=14 एंड 16, अरहर हो गया 2n=22, उर्द हो गया 2n=24, मूंग हो गया 2n=24, मक्का हो गया 2n=100 एंड धान हो गया 2n=24। अगला क्वेश्चन हमारा, टॉप क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन, सीड संकरण एवं संकरण क्रॉस है, हाइब्रिड एंड वैरायटी, टू इनब्रिड्स, इनब्रिड एंड वैरायटी या फिर टू ओपन पोलिनेटेड वैरायटी। तो इसका सही जवाब होगा अंतः प्रजाति एवं प्रजाति के बीच ये क्रॉस होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन इज कंसर्न्ड विद T&V सिस्टम, T&V प्रणाली से कौन संबंधित है, पशुपालन विकास कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम, फसल उत्पादन कार्यक्रम या फिर ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब होगा T&V सिस्टम इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड विजन सिस्टम प्रशिक्षण एवं भेड़ प्रणाली के जन्मदाता डेनियल बेनोर विश्व बैंक 1973 को माना जाता है। भारत में यह प्रणाली सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान के नाहर क्षेत्र एवं मध्य प्रदेश के चंबल कमांड क्षेत्र में 1979 में आया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन्स का पृथक्करण होता है F1 जनरेशन द्वारा, F2 जनरेशन द्वारा, F3 जनरेशन द्वारा या फिर F4 जनरेशन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा जीन्स का पृथक्करण होता है F3 जनरेशन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, काइलोमेनस सेकुमुलोकलाटा होता है परजीवी, प्रेडेटर, पेस्ट या फिर वायरस। तो इसका सही जवाब होगा प्रेडेटर। अगला क्वेश्चन हमारा, रबर सेप्टा का प्रयोग होता है लाइट ट्रैप के लिए, फेरोमोन ट्रैप के लिए, स्टिकी ट्रैप के लिए या फिर बेट ट्रैप के लिए। तो इसका सही जवाब होगा रबर सेप्टा इज यूज फॉर फेरोमोन ट्रैप। अगला क्वेश्चन हमारा, पॉड बोरर इज एन इंसेक्ट ऑफ, पॉड बोरर जो होता है वो किसका इंसेक्ट है, धान का, चना का, आलू का या फिर बाजरा का। तो इसका सही जवाब होगा पॉड बोरर इज एन इंसेक्ट ऑफ चिकपी। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, मतलब इनमें से कौन सा जो सही नहीं मैच हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है सूरजमुखी कंपोजिट, मतलब इसकी फैमिली कंपोजिट ही होती है, कपास जो है मालवेसी फैमिली का है, कैस्टर जो है कंपोजिट फैमिली का नहीं है। तो यहाँ पे ये तीसरा वाला गलत है। शुगरकेन की फैमिली भी ग्रामनी होती है, जो कि नया इसको पोएसी बोलते हैं। ग्रामनी या पोएसी कुल में धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ये सब क्रॉप आते हैं। क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं सरसों, राई, लाही, गोभी, तारामीरा आदि, ये क्रूसीफेरी में आती हैं। कंपोजिटिव वैरायटी में आती हैं, कंपोजिटिव फैमिली में सूरजमुखी, बायसुरी, गेंदा आदि ये क्रॉप आती हैं। मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल,
पटसन आदि ये क्रॉप आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेजर स्टोरेज फंगस दैट अफेक्ट द फूड ग्रेन्स इज, गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंद कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस या फिर कार्डिडा। तो इसका सही जवाब होगा एस्परजिलस। गोदामों में अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी एस्परजिलस है। यह फफूंद अनाजों के अलावा चमड़े के सामान, रबर के सामान, मांस आदि को नष्ट करते हैं। राइजोपस व म्यूकर खाद्य पदार्थों जैसे मुरब्बा, अचार, जेली, रोटी आदि को नष्ट करती हैं। और दूसरा जो है सिफेलोथीमस या फिर क्लास्ट्रिडियम, ये फ्यूजेरियम कागज को नष्ट करने वाले फफूंद होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है, मतलब कौन सा ऐसा इंसेक्ट है कि उसके पिछले पैरों में पराग की थैली पाई जाती है, पॉलन बास्केट किस में पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है दीमक में, मधुमक्खी में, चींटी में या फिर तितली में। तो इसका सही जवाब होगा मधुमक्खी में। श्रमिक मधुमक्खी का पिछला पैर रूपांतरित होकर पराग एकत्रित करने में सहायक होता है। इस प्रकार के पैरों को फ्रुगुलल और पॉलन कलेक्टिंग टाइप कहा जाता है। पैर के टीबिया भाग पर पराग थैली पाई जाती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रस्ट डिजीज इज कार्ड बाई, जो किट रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, निमेटोड द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फिर फंगस द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। रस्ट रोग फफूंद द्वारा होता है। रस्ट रोग प्राय यूडिनल्स गण के फफूंद द्वारा होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रामिनेसाई, रस्ट ऑफ लिंसिड, मेलामसोरा लिनाई, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, येलो स्ट्रिपर रस्ट, पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस, रस्ट ऑफ कॉफी, हेलमिनिया वोस्ट्रिक्स होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पिंक बॉल वर्म इज अ पेस्ट ऑफ कैस्टर, पी, मस्टर्ड या फिर कॉटन। जैसे कि हम जानते हैं पिंक बॉल वर्म कपास का बहुत ही फेमस इंसेक्ट है जो उसमें पाया जाता है। तो पिंक बॉल वर्म जो है वो कपास का मुख्य कीट है। इसका वैज्ञानिक नाम पेक्नोफोरा गॉसिपिल्ला है। इनकी सूंड़ियां नुकसान पहुंचाती हैं। भारत में यह कीट सर्वप्रथम 1842 में महाराष्ट्र में पाया गया था। सूंड़ियों को काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। सूंड़ी प्रारंभिक अवस्था में कोमल पत्तियों, टहनियों में जीवन निर्वाह करती हैं। गोले लगने पर सूंड़ियां गोलों में छेद बनाकर अंदर घुस जाती हैं, अंदर बिनौलों को नष्ट कर देती हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, इरियोसोमा लैनिजोरा पेस्ट है प्लम का, पियर का, एप्पल का या फिर बनाना का? तो इरियोसोमा लैनिजोरा पेस्ट है एप्पल का। सेब का रुइया कीट इसे इरियोसोम लिग्नेरा कहते हैं। ये हल्के बैगनी रंग के छोटे छोटे कीट पेड़ों के तनों, शाखाओं व जड़ों के समूह में सफेद रुई की तरह के आवरण में ढके रहते हैं। ये पेड़ों का रस चूसते हैं। सेब के अन्य कीट जो हैं, मूल भेदक जिसको डोरिसिल हुगली कहते हैं, गूज गीटा जिसको मेलकोजुमा इंडिका कहते हैं, रोमिल इल्ली जिसको लेमेंट्रिया ऑफ्सिकाटा कहते हैं, ये सारे कीट पाए जाते हैं सेब में। अगला जो क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली कौन सी है? किसान खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब होगा किसान खेती। काश्तकारी खेती या किसान खेती, खेती की प्रणालियों में भारत में यह सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रणाली के अंदर किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको स्थायी, पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। कृषि का सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, देना बैंक द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा या फिर सिंडिकेट बैंक द्वारा? तो गोल्ड क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन इज मेनली अ फंक्शन ऑफ, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः फैक्टर्स, कॉस्ट, प्राइसेस या फिर प्रॉफिट? तो इसका सही जवाब होगा फैक्टर्स। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इज टू मैक्सिमाइज ग्रॉस इनकम, अर्न प्रॉफिट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट या फिर मिनिमाइज टोटल एक्सपेंडिचर? तो इसका सही जवाब होगा अर्न प्रॉफिट।
अगला क्वेश्चन हमारा, ए रेगुलेटेड मार्केट इंश्योर्स पारितोषिक मूल्य, संतोषजनक मूल्य, समर्थन मूल्य या फिर निर्यात मूल्य। तो इसका सही जवाब होगा ए रेगुलेटेड मार्केट इंश्योर्स फेयर प्राइस। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती है कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर, लाभार्थियों की सहभागिता पर, कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर या फिर अनुदान की मात्रा पर। तो इसका सही जवाब होगा क्वांटिटी ऑफ सब्सिडी पर यह निर्भर नहीं करता। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं, इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर्स, लेट अडॉप्टर्स या फिर सुस्ता ग्राही। तो इसका सही जवाब होगा लेट अडॉप्टर्स। अगला क्वेश्चन हमारा, केजीके वॉज स्पॉन्सर्ड बाय, मतलब केजीके किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता था, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ICR द्वारा या फिर उपकार द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा, एबीसी ऑफ पोस्टर मींस अट्रैक्टिव ब्रीफ एंड कंप्लीट, अट्रैक्टिव ब्रीफ एंड क्लियर, अट्रैक्टिव ब्रीफ एंड क्रिएटिव, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा अट्रैक्टिव ब्रीफ एंड क्लियर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग मेथड इज सिनेमा, स्लाइड, पपेट या फिल्म। तो इसका सही जवाब होगा नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग मेथड इज पपेट। IVLP प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ICR या फिर उपकार। तो इसका सही जवाब होगा IVLP कार्यक्रम या प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाई ICAR। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज नॉट ए ग्रुप अप्रोच डिवाइस, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन, सिंपोजियम, वर्कशॉप या फिर फिल्म। तो इसका सही जवाब होगा फिल्म इज अ नॉट ग्रुप अप्रोच डिवाइस। अगला क्वेश्चन हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अ विलेज इज फॉर्म टू हेल्प प्राइमरी स्कूल, पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर मेंबर्स देमसेल्फ। तो इसका सही जवाब होगा मेंबर्स देमसेल्फ। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन इज नॉट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोत्साहन या फिर डिक्टेशन। तो इसका सही जवाब होगा डिक्टेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल समाहित प्रशिक्षण या फिर बेसिक रिसर्च। तो इसका सही जवाब होगा बेसिक रिसर्च। अगला क्वेश्चन हमारा, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना कहलाता है, मतलब इन कॉलीफ्लावर फॉर्मेशन ऑफ सीड स्टॉक विदाउट द हेड फॉर्मेशन इज नोन एज बटनिंग, बोल्टिंग, फ्रेंचिंग या फिर हॉलो हार्ट। तो इसका सही जवाब होगा बोल्टिंग। फूल गोभी में अपरिपक्व अवस्था में फूल के बनने के पहले बीज के डंठल का बनना बोल्टिंग कहलाता है। फूल गोभी के अन्य जो डिजीज है, ब्लाइंडनेस प्रारंभिक अवस्था में ऊपरी कलिका का नष्ट होना, बटनिंग ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, हेलोस्टम ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, रिसिनेस ये फिर अधिकता तापांतरण एवं नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, भूरापन बोरान की कमी से होता है, विपटेल ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्षा उपहार निम्नांकित में से किसकी प्रजाति है, टमाटर की, ओकरा की, बैगन की या फिर मटर की। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा उपहार इज अ वैरायटी ऑफ ओकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिंजल वैरायटी रेजिस्टेंट टू फोमोफस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल विल्ट इज पूसा क्रांति, पूसा पर्पल, पंच सम्राट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा पूसा पंच सम्राट। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो इज निरंजन, मंजीरा, रोमानी या फिर मुलगोवा। तो इसका सही जवाब होगा निरंजन इज द ऑफ सीजन वैरायटी ऑफ मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंगो वैरायटी सिंधु इज क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड नीलम, रत्ना एंड अल्फांसो, अल्फांसो एंड जनार्दन पसंद या फिर नीलम एंड अल्फांसो। तो इसका सही जवाब होगा रत्ना एंड अल्फांसो, सिंधु इज अ वैरायटी ऑफ रत्ना एंड अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इन सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई डायफोर्निसिटी, टेक्सोप्टेरा, सिट्रिसिडा, डॉकस डॉर्सेलिस या फिर टिंकुलस सेमीपेंटेंस। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, टेक्सोप्टेरा सिट्रिसिडा। नींबू में ट्रिस्टिजा वायरस टॉक्सिप्टोरा सिट्रिसिडा द्वारा फैलता है। सिट्रस ग्रीनिंग रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, इसका वाहक साइला है। सिट्रस कैंकर के जीवाणु जैंथोमोनास एक्सेनोपीडिस का वाहक लीफ माइनर कीट होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, मतलब कि राइबोफ्लेविन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है मैंगो, गवावा, बेल या फिर बेर। तो इसका सही जवाब होगा राइबोफ्लेविन रिच सोर्स इज बेल। फलों में उपलब्ध विटामिन के हिसाब से विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है आम में, उसके बाद पपीता में, उसके बाद पार्सिमोन में, और विटामिन बी जो है वो सबसे ज्यादा काजू में पाया जाता है, उसके बाद अखरोट में पाया जाता है, उसके बाद बादाम में पाया जाता है, एंड उसके बाद अनानास में होता है। और विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं हम लोग, वो सबसे ज्यादा बेल में पाया जाता है, उसके बाद पपीता में, फिर काजू में, और उसके बाद लीची में पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है बारबाडास चेरी, उसके बाद आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद अमरूद में, और उसके बाद नींबू में पाया जाता है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर इज, मतलब बेर में कलिकायन का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। हमारे पास जो ऑप्शन है, जुलाई से अगस्त में, सितंबर से अक्टूबर में, मई से जून में, या फिर फरवरी से मार्च में। तो द बेस्ट टाइम ऑफ बडिंग इन बेर इज मई टू जून। बेर में कलिकायन के लिए सर्वोत्तम समय मई से जून होता है। बेर के पौधों का प्रवर्धन छल्लाकार कलीचम द्वारा किया जाता है। बेर के पौधे बसंत ऋतु, फरवरी मार्च तथा बरसात अगस्त सितंबर में लगाए जाते हैं। पौधों से पौधों के बीच की दूरी 8x8 मीटर पर्याप्त होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बनाना वैरायटी रेजिस्टेंट टू पनामा विल्ट, मतलब कि केले की कौन सी प्रजाति है जो पनामा विल्ट से रेजिस्टेंट है। हमारे पास जो ऑप्शन है, बसराई, रसथली, लाल केला तथा पुअन। तो इसका सही जवाब होगा बसराई इज द रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पनामा विल्ट। बसराई किस्म पनामा विल्ट के प्रति प्रतिरोधी होती है, लेकिन पर्णचित्ती रोग से अधिक प्रभावित होता है। यह किस्म बौनी होने के कारण तेज हवाओं से कम प्रभावित होती है। केले की अन्य किस्में निंद्रान, पुअन, चंपा, होंडा, रस्थली, डॉर्फ, ये सब वैरायटीज की होती हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, पोटैटो वैरायटी सुटेबल फॉर चिप्स मेकिंग, मतलब कि आलू की कौन सी प्रजाति है जो चिप्स बनाने के लिए सबसे अच्छी होती है। हमारे पास ऑप्शन है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी सिंदूरी या फिर कुफरी चिप्सोना। तो इसका सही जवाब होगा कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2 किस्म चिप्स के लिए उत्तम होती है। चिप्सोना 2 पछेती झुलसा के लिए प्रतिरोधी किस्म है। कुफरी चंद्रमुखी अगेती व कुफरी सिंदूरी, कुफरी बहार आदि किस्में मध्यम अवधि की फसलें होती हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लो चिलिंग वैरायटी ऑफ पीच इज, आड़ू की कौन सी प्रजाति अल्प दुष्चिलिंग लो चिलिंग होती है। हमारे पास ऑप्शन है सहारनपुर प्रभात, सिमोजा हाकुता, कांटो 5 या फिर जूली अल्बर्टा। तो इसका सही जवाब होगा सहारनपुर प्रभात। हमारा जो अगला प्रश्न है, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, आम में लिटिल लीफ की बीमारी किसकी कमी से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है लोहा, जिंक, मैग्नीज तथा तांबा। तो इसका सही जवाब होगा जिंक। फलों के दैहिक विकार जो होते हैं, आम में लिटिल लीफ जिंक की कमी से होता है, आम में आंतरिक फल गलन बोरान की कमी से होता है, नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से होता है, नींबू में मेटल लीफ जिंक की कमी से होता है, तथा अमरूद में ब्रॉन्जिंग जो होता है वो जिंक की कमी से होता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्हाइट कलर ऑनियन वैरायटी इज, प्याज की सफेद किस्म किसकी वैरायटी है, उस वैरायटी का क्या नाम है। पूसा रत्नार, उदयपुर 102, अर्का बिंदु तथा अर्का कल्याण। तो इसका सही जवाब होगा व्हाइट कलर ऑनियन वैरायटी इज उदयपुर 102।
सफेद प्याज की जो किस्में हैं, उदयपुर 102, फुले सफेद, पंथ 48 आदि। पीले प्याज की जो किस्म है, अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर, फुले स्वर्ण, ये सब पीले प्याज की किस्में हैं। लाल प्याज की जो किस्में हैं, पूसा रेड, नासिक रोड, उदयपुर 101, अर्का प्रगति तथा पूसा माधवी। हमारा जो अगला प्रश्न है, पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल है, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा, द डोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इज इन स्पाइनच इज ऑक्सैलिक एसिड। पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल ऑक्सैलिक एसिड है। प्रति 100 ग्राम पालक में 658 मिलीग्राम ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। पालक में विटामिन ए 9300 IU प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक इज सिचुएटेड एट, मतलब कि प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है सोलन में, नासिक में, पुणे में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब होगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक इज पुणे। प्याज एवं लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। NRCOG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक पुणे महाराष्ट्र, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 शिमला हिमाचल प्रदेश में है, CPRS सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मोदीपुरम मेरठ में है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू इज सिचुएटेड एट, काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है पुणे, पुतूर, पेडावेगी या फिर नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू इज सिचुएटेड एट पुतूर। NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू 1985 पुतूर कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में है। NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस 1985 में ये ओपन हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में है। हमारा जो नेक्स्ट है रिसर्च सेंटर NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये तमिलनाडु में है। NRCG नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ये पुणे महाराष्ट्र में है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, अंगूर में हैन एंड चिकन बीमारी किसके कारण से होती है, किस तत्व की कमी से होती है। हमारे पास ऑप्शन है बोरान, कॉपर, आयरन या फिर जिंक। तो इसका सही जवाब होगा, अंगूर में हैन एंड चिकन बीमारी बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। इसके नियंत्रण के लिए बोरॉक्स 0.6% का छिड़काव करना चाहिए। अंगूर में कैलकस एंड रॉट कैल्शियम की कमी से होता है। आंवले में आंतरिक गलन बोरान की कमी से होता है। नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अमरूद की प्रमुख शर्करा है, मतलब कि जो शुगर पाया जाता है गवावा में, वो कौन सी शुगर होती है। हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज। तो इसका सही जवाब होगा सुक्रोज। अमरूद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अमरूद में प्रोटीन 1.5%, रेशा 6.9%, कार्बोहाइड्रेट 14.5%, विटामिन B1 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पर, विटामिन सी 299 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पे पाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, गवावा कल्टीवर ललित वाव डेवलप एट, मतलब कि जो अमरूद की ललित प्रजाति वो कहाँ से विकसित हुई थी। हमारे पास ऑप्शन है IARI न्यू दिल्ली, IIHR बेंगलोर, CISH लखनऊ या फिर अलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी अलाहाबाद। तो इसका सही जवाब होगा गवावा कल्टीवर ललित वाव डेवलप एट, CISH लखनऊ। अमरूद की किस्म ललित CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ से विकसित की गई है। इसका गुदा गुलाबी रंग का होता है। अमरूद की किस्म पंत प्रभात पंत नगर विश्वविद्यालय से विकसित की गई है। अमरूद की किस्म हिसार सफेद हिसार सुरखा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से विकसित की गई है। हमारा जो अगला प्रश्न है, अर्का कृष्णा कल्टीवर ऑफ ग्रेप इज अ क्रॉस बिटवीन, अंगूर की किस्म अर्का कृष्णा संकर है, ब्लैक चंपा एंड थॉमसन सीडलेस, ब्लैक सीडलेस और थॉमसन ब्लू, ब्यूटी चंपा एंड बैंगलोर सीडलेस या फिर बैंगलोर ब्लू ब्यूटी सीडलेस।
तो इसका सही जवाब होगा ब्लैक चंपा एंड थॉमसन सीडलेस का ये क्रॉस है। अंगूर की अर्का कृष्णा का अंगूर की अर्का कृष्णा ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का संकर है, यह किस्म बैंगलोर से निकाली गई है। IIHR बैंगलोर से निकाली गई निम्न संकर किस्म जो है अर्का हंस, अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का कृष्णा, अर्का श्याम एंड अर्का कंचन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेब की अंबरी किस्म किस प्रदेश से सर्वाधिक लोकप्रिय है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर घाटी के लिए सेब की किस्म अंबरी कश्मीरी, व्हाइट डॉटेड रेड, ब्लड रेड, हिमाचल के लिए न्यूटन वंडर, रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस आदि। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा क्या होती है? हमारे पास ऑप्शन है 250 ppm, 350 ppm, 600 ppm या फिर 750 ppm। तो इसका सही जवाब होगा टमाटर पूरी में प्रिजर्वेटिव बेंजोइक एसिड की 250 ppm मात्रा उपयोग की जाती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ फूट याम इज, जिमीकंद का वानस्पतिक नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है एलोकेसिया इंडिका, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, एमोफोरबेसे कैपिटुलस या फिर मनी हार्ट एस्कुलेंटा। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला, एम्फोफेलस कंपेनुटलस। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रोथ रेगुलेटर इफेक्टिव इन मॉडिफाइंग द सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुरबिटेसी इज, कद्दू वर्गीय सब्जियों में लिंग भेद परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त पादप वृद्धि नियामक कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है 2-chlorothiophosphonic एसिड, डाइक्लोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एंडोल प्रोपियोनिक एसिड या फिर इंडोल-3-butyric एसिड। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, 2-chlorothiophosphonic एसिड। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पूसा केसर इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा केसर किसकी किस्म है? मूली की, सलजम की, चुकंदर की या फिर गाजर की? तो पूसा केसर इज अ वैरायटी ऑफ कैरेट। पूसा केसर गाजर की एक संकर किस्म है जो अगस्त से अक्टूबर में बुआई की जाती है, 90 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ें गहरे लाल रंग की और शंक्वाकार होती हैं। इसका मध्य भाग छोटा और हल्के हरे रंग का होता है। इसकी उपज 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। अन्य किस्में जो है कैरेट की, पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, चेंटने, जैनो सेलेक्शन 223, नैंटिस आदि। अगला क्वेश्चन हमारा, हेस्पेरिडियम ब्लास्टा एवं एम्फिरसारिका किसके रूपांतरण है? बेरी, डूप, पोम या फिर नट? तो इसका सही जवाब होगा बेरी। हेस्पेरिडियम बालोस्टा एम्फिरसारिका फलों के प्रकार बेरी का रूपांतरण है। बेरी टमाटर, पपीता, बैगन, अंगूर, हेस्पेरिडियम संतरा, नींबू, चकोतरा तथा मौसमी आदि, बालोस्टा अनार, एम्फिसार्का बेल, पोम सेब, नाशपाती लोकाट, ड्रूप नारियल, आम, आड़ू, बेर आदि। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पूसा मैजेस्टी एक उत्तम प्रजाति है, आम, नाशपाती, पपीता या फिर केला? तो पूसा मैजेस्टी इज अ वैरायटी ऑफ पपाया। पूसा मैजेस्टी पपीते की एक उन्नतशील किस्म है। इस किस्म की परिवहन क्षमता अच्छी होती है। अन्य किस्में पूसा डेलिशियस, पूसा डॉर्फ, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, वॉशिंगटन हनीडू आदि। अगला क्वेश्चन हमारा, भिंडी की YVMV अवरोधी प्रजाति है, पूसा सावनी, पूसा मखमली, अर्का नामिका या इनमें से कोई नहीं? तो भिंडी की YVMV रेजिस्टेंट वैरायटी है अर्का अनामिका। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन पेक्टिन, निम्नलिखित में से पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? पपीता, मैंगो, आंवला या फिर अमरूद? तो इसका सही जवाब होगा अमरूद। अमरूद में पेक्टिन पदार्थ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो जेली बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। आम और पपीता विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। आंवला में विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बॉटनिकल नेम ऑफ लोकॉट इज, मतलब लोकॉट का वानस्पतिक नाम क्या है? इरियोबोट्रिया ड्रविया, इरियोबोट्रिया इलिप्टिका,
इरियोबोटिका लेटोफोलिया या फिर इरियोबोटिका जपोनिका। तो इसका सही जवाब होगा बॉटनिकल नेम ऑफ लोकॉट इज इरियोबोट्रिया जपोनिका। यहाँ पे कुछ क्रॉप के बॉटनिकल नेम दिए गए हैं, तो आप लोग इसको देखकर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। निम्नांकित में कौन गंधक युक्त अमीनो एसिड है? पायरोसिन, सिस्टीन, ल्यूसीन या फिर हिस्टिडीन। तो इसका सही जवाब होगा सिस्टीन। सल्फर युक्त अमीनो एसिड जो है मिथियोनिन व सिस्टीन होता है। अम्लीय अमीनो एसिड जो होता है एस्पार्टिकम ग्लूटामिक एसिड होता है। क्षारीय अमीनो एसिड होता है लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग सॉइल टेक्सचर इज। मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु कणों का व्यास लेते हैं। लार्जर देन 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर टू 0.2 मिलीमीटर, लेस देन 2 मिलीमीटर या फिर मोर देन 2.5 मिलीमीटर। इसका सही जवाब होगा लेस देन 2 मिलीमीटर। मृदा गठन का अनुमान लगाने हेतु 2 मिलीमीटर से कम व्यास वाला कण लेते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के अनुसार मोटी जो बालू होती है उसका व्यास होता है 2 से लेकर 0.20 मिलीमीटर तक। महीन बालू जो होता है 0.2 से 0.20 मिलीमीटर तक। सिल्ट जो होता है 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर। एंड जो क्ले होता है 0.002 से कम होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज का अधिकतम अपघटन होता है मध्य तापक्रम, निम्न तापीय तापक्रम, उसमें से निहित तापक्रम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेलुलोज डिकम्पोजिशन इज मैक्सिमम एट मेसोफिलिक टेम्परेचर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोहेमस। हमारे पास ऑप्शन है ह्यूमस इन ब्रेड सॉइल, ह्यूमस ऑन द सरफेस, ह्यूमस इन कंपोस्ट पिट या फिर ह्यूमस विद अर्थवर्म। तो इसका सही जवाब होगा लास्ट वाला, केंचों के साथ का ह्यूमस। ह्यूमस मृदा कार्बनिक पदार्थ का एक अंश है जो उसके सड़ने गलने पर मृदा में रह जाता है। इस प्रकार ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है। केंचों के साथ ह्यूमस को पूरा ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ सॉइल एट विच प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी इज एट मैक्सिमम इज। मतलब कि सामान्य मृदा पीएच परिसर जिसमें पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्मजीव क्रियाशील अधिकतम होती है वो कौन सा होता है? 6.5 से 8.5, 7.5 से 8.5, 8.5 से 9 या फिर 6.5 से 7.5। इसका सही जवाब होगा लास्ट वाला 6.5 से 7.5। इसका मतलब ये है कि अगर इस रेंज में सॉइल का पीएच होता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छे से हो जाएगी, प्लांट अपना न्यूट्रिशन भी अच्छे से ले लेगा, तो ये पीएच बहुत ही अच्छा होता है। सामान्यतः मृदा पीएच 6 से 7.5 के बीच पादप पोषक सुलभता एवं सूक्ष्मजीव क्रियाशीलता अधिकतम होती है। मृदा में पीएच 5.5 से कम होने पर सूक्ष्मजीव की सक्रियता कम हो जाती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बेडरॉक के ऊपरी असंपीड़ित सामग्री को जाना जाता है द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अबव द बेडरॉक इज नोन एज सॉइल, रिगोलिथ, सोलम या फिर पेडॉन। तो इसका सही जवाब होगा रिगोलिथ। रिगोलिथ मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे स्थित शैल के ऊपरी असंपीड़ित रिगोलिथ कहलाता है। बेडरॉक के ऊपर ए बी व सी संतरों को मिलाकर रिगोलिथ कहा जाता है और संतर जो होते हैं ए और बी को उसको मिलाकर हम लोग सोलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द एक्टिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर। मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं जलवायु एवं जीवमंडल, जनक सामग्री एवं जलवायु, जनक सामग्री एवं उच्चावच या फिर पैरेंट मटेरियल एंड बायोस्फीयर। तो इसका सही जवाब होगा क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मटेरियल एडेड इन फर्टिलाइजर मिक्सचर टू रिड्यूस हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन इज नोन एज। मतलब कि उर्वरक मिश्रण में आंद्रता ग्राही को घटाने एवं भौतिक दशा को सुधारने हेतु जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिलर, न्यूट्रलाइजर, एगिटर या फिर कंडीशनर। तो इसका सही जवाब होगा लास्ट वाला कंडीशनर। अगला क्वेश्चन हमारा, द सोर्स ऑफ स्लोली अवेलेबल के इन सॉइल फॉर क्रॉप इज। फसल के लिए मृदा में धीमी गति से सुलभ होने वाले के का स्रोत है मिनरल्स के, एक्सचेंजेबल के,
नॉन एक्सचेंजेबल के या फिर के इन सॉइल सॉल्यूशन, जिसका सही जवाब होगा मिनरल्स के। अगला क्वेश्चन हमारा, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन, मतलब कि अधिकतम घनायन विनिमय क्षमता किसमें सबसे ज्यादा होती है, पॉडजोल मृदा में, लैटराइट सॉइल में, ग्ले सॉइल में या फिर चनोजम सॉइल में। तो इसका सही जवाब होगा लास्ट वाला, चनोजम सॉइल में। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉस्फेट फिक्सेशन इज मैक्सिमम एट पीएच रेंज ऑफ, फॉस्फेट का अत्यधिक स्थिरीकरण किस पीएच पर परिसर पर होता है, हम उसका सही जवाब होगा 4.5 से लेकर 5.5 पीएच पर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉइल अंडर सैचुरेटेड फ्लो ऑफ वाटर इज फंक्शन ऑफ, मतलब कि संतृप्त जल प्रभाव मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है, तो उसका सही जवाब होगा मृदा रंध्र आकार एवं मृदा जल की मात्रा पर यह निर्भर करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वर्मिकुलाइट इज एन एल्यूमिनियम सिलिकेट सॉइल क्ले बिलोंगिंग टू द टाइप ऑफ, मतलब किस टाइप पर निर्भर करती है, 1:1, 2:1, 2:2 या फिर 2:1:1, तो इसका सही जवाब होगा 2:1। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण द्वारा मृदा ह्रास की गणना में प्रयुक्त नहीं होता है, रेनफॉल, ढाल की लंबाई, फसल प्रबंधन या फिर उर्वरक प्रबंधन, तो इसका सही जवाब होगा लास्ट वाला, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एन एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन बायोमोलेक्यूल्स इज, आवश्यक खनिज तत्व जो कि जीव अणुओं में ऑक्सीकृत रूप से उपस्थित होता है वो कौन सा है, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर कैल्शियम, तो इसका सही जवाब होगा सल्फर। आवश्यक खनिज तत्व सल्फर बायोमोलेक्यूल्स में ऑक्सीकृत रूप से उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिफिशियंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट्स अपीयर फर्स्ट ऑन, मतलब कि जो मोबाइल एलिमेंट्स डिफिशियंसी कहां पे सबसे ज्यादा मिलती है, नई ली पत्तियों में, ओल्डर लीव्स में, रूट्स में या फिर स्टेम में, तो इसका सही जवाब होगा ओल्डर लीव्स में। मोबाइल एलिमेंट जैसे कि एनपीके, जिंक, मैग्नीज की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पौधों की निचली तथा पुरानी पत्तियों में प्रदर्शित होती है, जबकि सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, कैल्शियम एंड बोरान की कमी के लक्षण पौधों के ऊपरी कलियां तथा नई पत्तियों पर दिखाई देती हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिज्म इज, मतलब कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला किण्विक होता है, नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइड रिडक्टेज या फिर जीडीएट, तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों मुख्यतः नाइट्रोजनेज एंजाइम की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और वो कौन से होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर होते हैं। अमोनीकरण में एमिडेज तथा डीएमिनेज एंजाइम द्वारा होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 1 milliequivalent ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू, कैल्शियम का 1 milliequivalent बराबर होता है कितने के बराबर होता है, 40 milligram कैल्शियम पर 40 milligram, 20 milligram कैल्शियम पर 20 milligram, 4 milligram कैल्शियम पर 4 milligram या फिर 12 milligram कैल्शियम पर 12 ग्राम, तो इसका सही जवाब होगा सेकंड वाला, 20 milligram कैल्शियम पर 20 milligram। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एज कंपेयर टू सरफेस सॉइल द सीएन रेशियो ऑफ सब सॉइल इज, पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, नैरो होता है, वाइड होता है, वेरी वाइड होता है या फिर इक्वल होता है, तो इसका सही जो होगा वो वाइड होता है। सीएन रेशियो जो रेशियो होता है मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटे मृदा में प्राप्त कुल नाइट्रोजन की मात्रा होता है। पृष्ठीय मृदा की तुलना में सब सॉइल का सीएन रेशियो अधिक होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द डिजीज एग्जैथिमा इन ट्रीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, वृक्षों में एग्जैथिमा नामक बीमारी किसी कमी से होता है, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, कॉपर या फिर आयरन, तो इसका सही जवाब होगा कॉपर की कमी से होता है। एग्जैथिमा रोग नींबू में कॉपर की कमी से होता है, इसके उपचार के लिए 0.3% तांबा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। नींबू में पीला पत्ती धब्बा रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होती है, आम में लिटिल लीफ या फिर नींबू में मॉटल लीफ जिंक की कमी से
होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट टिश्यू टू बी सैंपल्ड फॉर एनालिसिस इन केस ऑफ मेज इज, मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है, थर्ड लीफ फ्रॉम टॉप, थर्ड लीफ फ्रॉम बॉटम, थर्ड एंड फोर्थ लीफ फ्रॉम टॉप, या फिर फोर्थ एंड फिफ्थ लीफ फ्रॉम टॉप। इसका सही जवाब होगा थर्ड लीफ फ्रॉम टॉप। मक्का में ऊतक विश्लेषण निम्न तरह से लेते हैं, पौधों की लंबाई 30 BU से कम होने पर भूमि के ऊपर के सभी भाग, नर मंजरी निकलने के पूर्व विकसित पत्तियां, सिल्क निकलने की अवस्था तथा सभी पत्तियां। द FIRB मेथड हैज बीन इवॉल्व फॉर सोइंग ऑफ, FIRB विधि विकसित की गई है बुआई के लिए, किसके लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, दलहनी फसलों के लिए, या फिर बाजरा के लिए। तो इसका सही जवाब होगा FIRB मेथड इज डेवलप्ड फॉर वीट क्रॉप। इसका फुल फॉर्म होता है फरो इरिगेटर रेट बेड विधि, गेहूं की बुआई के लिए विकसित की गई है। गेहूं की बुआई जीरो टिल सीड ड्रिल के द्वारा भी करते हैं, केरा विधि भी इसी की है, पोरा विधि, डिबलिंग विधि, ये सारी विधियां गेहूं की विधियां होती हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहां पर स्थित है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, या फिर फैजाबाद। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट कानपुर। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सल्फोसल्फ्यूरॉन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर, सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग किया जाता है ब्यूटाक्लोर के स्थान पे, फ्लुमेटोन के स्थान पे, आइसोप्रोटोन के स्थान पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सल्फोसल्फ्यूरॉन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ आइसोप्रोटोन। सल्फोसल्फ्यूरॉन का प्रयोग आइसोप्रोटोन के स्थान पर शाकनाशी के रूप में किया जाता है। यह गेहूं में फेलिस माइनर को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फेलिस माइनर आइसोप्रोटोन के प्रति सहनशील हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेजिटेटिव लैग फेज इज फाउंड इन, वनस्पतिक सुषुप्ता अवस्था पाई जाती है धान की प्राचीन देसी किस्मों में, हाइब्रिड राइस में, रिसेंट डॉर्फ राइस वैरायटीज में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ओल्ड इंडिजिनियस वैरायटी ऑफ राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन UP, मतलब कि यूपी में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है कि यूपी में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। तो इसका सही जवाब होगा टोटल 9 है। भारत को 15 सस्त जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश को 9 सस्त जलवायु विभाग में किया जाता है, वो कौन कौन से है, भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, या दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और विंध्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन हमारा, टोटल डिग्रेडेड लैंड एरिया इन अबाउट, मतलब भारत में बंजर भूमि के लगभग कितना क्षेत्रफल है, 229 मिलियन हेक्टेयर, 240 मिलियन हेक्टेयर, 175 मिलियन हेक्टेयर, या फिर 85 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा भारत में 175 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 328 मिलियन हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन हमारा, द ग्रेन क्रॉप ऑफ पर मिलेट शुड बी शोन इन, मतलब बाजरे की बुआई कब करनी चाहिए, जून में, जुलाई में, अगस्त में, या फिर सितंबर में। तो इसका सही जवाब होगा जुलाई में करना चाहिए। दाने के लिए बाजरे की बुआई जुलाई के द्वितीय पखवाड़े में करना चाहिए, और पौधे की दूरी जो गहराई होनी चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर ही रखना चाहिए। बीज दर जो होती है वो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर होनी चाहिए, और जो उपज होता है दाना के लिए वो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है, तथा चारा के लिए 60 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोल्डन राइस इज रिच इन, गोल्डन धान में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। हमारे पास जो ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। तो इसका सही जवाब होगा गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। गोल्डन राइस अनुवांशिक रूपांतरित धान है, इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कि विटामिन ए प्रिकर्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है नाइट्रोजन की कमी, फॉस्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, या फिर उपरोक्त सभी की कमी। तो इसका सही जवाब होगा एक्सेस ऑफ कैल्शियम अवेलेबिलिटी इज सॉइल कॉज फॉस्फोरस डिफिशियंसी, मृदा में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता से कैल्शियम फॉस्फोरस से क्रिया करके कैल्शियम फॉस्फेट बनाती है,
जो अम्लीय ऑक्सीअपेटाइट तथा फ्लोरोअपेटाइट के बदल कर पौधों के लिए अनुपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉरिंटन जीन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉर्फ प्लांट टाइप इन। नॉरिंटन जीन के द्वारा बौने किस्म के पौधे पैदा किए गए, वीट में, धान में, मक्का में या फिर सोरगम में? तो इसका सही जवाब होगा गेहूं में। जापान में नॉरिन सीरीज वाली गेहूं की प्रजातियों जैसे नॉरिंटन से बौने जीन को अलग किया गया। इस जीन से गेहूं की बौने किस्म विकसित की गई। डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग ने इसी जीन का प्रयोग करके 1961 से 1962 ईस्वी में अन्य प्रजातियां विकसित की। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोइंग ऑफ कुकरबिट्स एट द टाइम ऑफ अर्थिंग इन पोटैटो क्रॉप फील्ड इज टर्म्ड एज। आलू की फसल के लिए मेड़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई कहलाती है, उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या फिर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग? तो इसका सही जवाब होगा रिले क्रॉपिंग। जब वर्तमान में फसल करने से पहले खड़ी फसल में ही अगली फसल की बुआई कर लेते हैं उसको हम लोग रिले क्रॉपिंग कहते हैं। आलू के खेत में मेड़ चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करने को हम लोग रिले क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुशेनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म इन, मतलब बुशेनिंग प्रक्रिया किसमें की जाती है? वीट में, धान में, मक्का में या फिर पर्लमेट में? तो यह बुशेनिंग प्रक्रिया होती है धान में होती है। और यह प्रक्रिया होती क्या है? बुशेनिंग प्रक्रिया धान की अपनाई जाती है। इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं। इस क्रिया से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं तथा कल्ले ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट इज एन अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ। सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है, वो किसकी प्रजाति है? अरहर की, उर्द की, मूंग की या फिर चने की? तो सम्राट इज अ वैरायटी ऑफ ग्रीन ग्राम। सम्राट जो है मूंग की प्रजाति है। अन्य प्रजाति जो होती है वर्षा, मोहिनी, पंत मूंग 1-2-3, शीला, जवाहर 45 आदि। उर्द की जो किस्म है नवीन, कृष्णा, T09, T27, उज्जैन 4, ये उर्द की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन CRI स्टेज। गेहूं में एक सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI स्टेज पर करना चाहिए। दो सिंचाई उपलब्ध है तो CRI और फ्लावरिंग स्टेज पर करना चाहिए। तीन सिंचाई उपलब्ध है तो CRI अवस्था पे, ज्वाइंटिंग स्टेज पे एंड मिल्किंग स्टेज पे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कंचन वैरायटी ऑफ मेज मैच्योर इन। मक्के की कंचन प्रजाति पकती है 60 से 65 दिनों में, 75 से 80 दिनों में, 85 से 90 दिनों में या फिर 95 से 105 दिनों में? तो इसका सही जवाब होगा कंचन वैरायटी ऑफ मेज इज मैच्योर्ड इन 65 to 80 डेज। कंचन मक्का की संकर प्रजाति है, यह 75 से 80 दिनों में पक जाती है। इसकी उपज 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। अन्य संकुल किस्में जो होती है अंबर, किसान, विक्रम, जवाहर, विजय, प्रताप, लक्ष्मी आदि, ये सारी वैरायटी हैं मक्का की। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन। इनमें से कौन सा है जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन नहीं है? मृदा, टेम्परेचर, वैरायटी एंड टोपोग्राफी। तो इनमें से वैरायटी जो है वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन में नहीं आता है। प्रजाति कृष्ण जलवायु क्षेत्र का भाग नहीं है। कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्न भाग होते हैं, सॉइल, टेम्परेचर, स्ट्रक्चर एंड जलवायु। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी विथ लिस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। मतलब कि यहाँ पे यूपी के जो 9 कृषि क्षेत्र हैं, जलवायु क्षेत्र हैं, उसको मैच करना है। तो जो पहला है वेस्टर्न प्लेन जोन, कौशाम्बी के सामने लिखा हुआ है। सेंट्रल प्लेन जोन, ललितपुर। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र और गौतम बुद्ध नगर। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला 3142। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। भावर एवं मैदानी तराई मैदान, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद आदि। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली आदि। दक्षिणी पश्चिम अर्धशुष्क क्षेत्र में अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी। मध्य मैदानी क्षेत्र कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद आते हैं।
और जो छठा है बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, गोरखपुर आदि आते हैं। उत्तरी पूर्वी मैदान क्षेत्र में सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर आदि आते हैं। पूर्वी मैदान क्षेत्र में बाराबंकी, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, बनारस आते हैं। और जो लास्ट हमारा विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर एवं सोनभद्र आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द रिकमेंडेड सी डेट ऑफ पैडी इन SRI सिस्टम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि SRI मेथड राइस में की जाती है, और उसमें सी डेट क्या होता है, सी डेट होता है 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। SRI सिस्टम सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। धान की रोपाई की यह एक नई विधि है। इसका आविष्कार मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डी लॉलिन ने किया था। इस विधि में नर्सरी कंपोस्ट और मिट्टी पर तैयार किया जाता है। इस विधि द्वारा 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है तथा पौधे 9 से 12 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी रोपाई के लिए जो डिस्टेंस होती है वो 25x25 सेंटीमीटर पर की जाती है तथा गहराई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर तक हम लोग रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज कम्स इन ट्रांसप्लांटेड राइस, मतलब रोपित धान में अधिकतम कल्लो निकलने की अवस्था आती है कितने दिनों पे आती है, वह आती है 35 से 40 दिनों के बाद आती है। धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था 35 से 40 दिनों में आती है। अधिक कल्ले या टिलर प्राप्त करने के लिए रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। ठंडे मौसम में कल्लो की वृद्धि मंद हो जाती है, जबकि सूखे मौसम में कल्लो की मात्रा ज्यादा होती है। पैनिकल निकलने की अवस्था 55 से 60 दिन तक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज नॉट डबल पर्पज वराइटी ऑफ लिनसीड, अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देश्य नहीं है, गरिमा, गौरव, पार्वती और शिखा। तो इसका सही जवाब होगा गरिमा। गरिमा एक द्विउद्देश्य किस्म नहीं है, या उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अवधि इसकी जो होती है 125 से 130 दिन की होती है, और जो उपज होती है वो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। द्विउद्देश्य दाना तथा रेशा दोनों किस्में हैं जो दोनों काम करती हैं। उसमें गौरव, लोक 85 या 28, शिखा, पार्वती आदि होती हैं। अन्य किस्में जो होती है लिंसीड की, नीलम, हीरा, मुक्ता, लक्ष्मी 27, चंबल, श्वेता जवाहर 7, 18, 552, शुभ्रा, शारदा, शीला, सुयोग, हिमानी आदि। अगला क्वेश्चन हमारा, थिनिंग इन मस्टर्ड क्रॉप इज रिकमेंडेड एट, मतलब सरसों की फसल में विरलन की संतति कब की जाती है, तो वो किया जाता है बुआई से 20 दिनों के बाद करते हैं। सरसों की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन बाद, जब पौधों की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसी समय निराई व पौधों की छटाई जिसको थिनिंग कहते हैं, और पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राउंडनट सीड कंटेंट, मतलब कि मूंगफली के दाने में कितना परसेंट तक ऑयल पाया जाता है और प्रोटीन कितना पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ग्राउंडनट में 45% तक तेल पाया जाता है और 30% तक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर कुछ फसलें हैं और उसमें तेल के परसेंट और प्रोटीन के परसेंट दिए गए हैं। मूंगफली में 45% तक ऑयल पाया जाता है और 26% तक प्रोटीन पाया जाता है। तिल में 46 से 52% तक तेल पाया जाता है तथा 18 से 20% तक प्रोटीन पाया जाता है। कुसुम में 24 से 36% तक तेल पाया जाता है तथा 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन में 20% तक ऑयल पाया जाता है तथा 42% तक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट बार्ले वैरायटी विथ लिस्ट टू ग्रोइंग कंडीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे बार्ले की कुछ वैरायटी दी गई हैं और उनको ग्रोइंग कंडीशन के साथ मैच करना है। तो इसमें जो है डी वाला 1, 2, 4, 3 सही होगा। जौ की किस्में जो सिंचित सामयिक होती हैं, ज्योति, जागृति, मंजुला, करण 19, 252, 233, डीएल 120 आदि होती हैं। सिंचित क्षेत्रों में हरितिमा, बीजी 108, मंत्रुका, नीलम, डीएल 88, केदार आदि होती हैं। असिंचित में नरेंद्र, जौ 2, विजया, आजाद, करण 18, गीतांजलि आदि ये किस्में होती हैं। माल्ट हेतु प्रगति, रितंभरा, अल्फा, डीएल 88, रेखा आदि ये सब वैरायटी होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हैज सिनर्जिक इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप, निम्नलिखित में से किस फसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है? शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, शरदकालीन गन्ना प्लस राई, शरदकालीन गन्ना प्लस चना, तो शरदकालीन गन्ना प्लस गेहूं। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, शरदकालीन गन्ना प्लस आलू। अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग, मतलब रिले क्रॉपिंग के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एस एस बेन्स इज नोन एज फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Which of the following states had the highest productivity of sugarcane? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर गन्ने की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? तो उसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम व महाराष्ट्र द्वितीय है, जबकि उत्पादकता में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सिक्वेंस ऑफ वेरियस केमिकल्स यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट इज, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम क्या होता है? सबसे पहले फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चर, दूसरा है जीवाणु कल्चर, कवकनाशी तथा कीटनाशी, तीसरा है कीटनाशी, कवकनाशी तथा जीवाणु कल्चर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो होगा पहला वाला, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चर। बीज शोधन प्राय बीज जनित व मृदा जनित रोगों व कीटों के नियंत्रण के लिए करना आवश्यक होता है, जबकि जीवाणु कल्चर से वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु की जड़ों में वो खेतों में पहुंचा जाता है। बीज शोधन सबसे पहले कवकनाशी, फिर कीटनाशी तथा अंत में जीवाणु कल्चर करना चाहिए, जिससे लाभदायक जीवाणु का प्रभाव न पड़े। अगला क्वेश्चन हमारा, वीड कंट्रोल इन मस्टर्ड फील्ड इज डन बाय, राय के खेत में खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा स्प्रेइंग ऑफ पेंडीमेथिलीन एट द रेट 3.3 लीटर पर हेक्टर, मतलब पेंडीमेथिलीन का छिड़काव करके हम लोग वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं राय के खेत में। और ये कब करना चाहिए? राय के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर पर हेक्टर की दर से करते हैं। यह रसायन जमाव पूर्व मतलब प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड है ये, और ये बुआई की दो दिन बाद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एन ई बोरलॉग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एन ई बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर आर एस परोदा ICAR में चार वैज्ञानिक व महानिदेशक डीजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑर्बेंकी खरपतवार है, मतलब ऑर्बेंकी वीड इज क्या है ये? कंप्लीट रूट पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट एंड शूट पैरासाइट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा ऑर्बेंकी इज अ कंप्लीट रूट पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन इज, मतलब कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहां पर है? तो वो कहां है? चाइना में है। सोयाबीन का पूर्वी एशिया व चीन, उर्द मूंग भारत, ग्वार भारत, मूंगफली ब्राजील, सूरजमुखी अमेरिका, आलू तमाकी दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज सिनोनिम्स ऑफ, स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है, या किसका है ये? झूमिंग खेती का, झूमिंग कल्टिवेशन का ये सिनोनिम है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है? किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं, मसालों की रानी छोटी इलायची को कहते हैं, सफेद सोना कपास को कहते हैं तथा हरा सोना बंबू या फिर बांस को कहते हैं। वीट वैरायटी हैविंग हाईएस्ट हीट टॉलरेंट इज, मतलब इनमें से कौन सी वैरायटी है गेहूं की जो हीट की टॉलरेंस है? उसका सही जवाब DBW 14। अगला क्वेश्चन हमारा, SRI सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन वॉज इन्वेंटेड इन, SRI पद्धति द्वारा धान उगाने की विधि का अन्वेषण हुआ था, कहां से हुआ था? जापान में, कोरिया में, चाइना में या फिर मेडागास्कर में? तो इसका सही जवाब होगा मेडागास्कर से ही हुआ था SRI मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैनोला एक प्रजाति है, कैनोला किसकी प्रजाति है? तो कैनोला इज अ वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद द हेल्प ऑफ जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल सोइंग टाइम ऑफ वीट कैन बी एडवांस्ड बाय, जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई के
समय पहले किया जा सकता है, 7 से 10 दिन, 15 से 20 दिन, 25 से 30 दिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 7 से 10 दिन। जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया था। इससे गेहूं की बुआई, धान की कटाई के तुरंत बाद बची हुई नमी का उपयोग करके बिना जुताई के 7 से 10 दिन पहले कर सकते हैं। इस प्रकार इससे खेत की तैयारी में होने वाले व्यय जैसे ट्रैक्टर, श्रमिक एवं डीजल को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। मेज, टैंथिमा मैग्नोगाइना, वीट इक्नोक्लोना, राइस इक्नोक्लोवा क्रुसिकली या फिर पोटैटो साइप्रस रेंडर। तो इक्नोक्लोवा क्लोना जंगली धान खरीफ ऋतु की खरपतवार है जो मुख्यतः धान में पाई जाती है, गेहूं में ये नहीं पाई जाती है। गेहूं एक रबी सीजन की फसल है, इसका मुख्य खरपतवार गेहूं का मामा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सुटेबल वैरायटी ऑफ पिजन पी वीट क्रॉप रोटेशन इज, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है, T7, T17, बहार या फिर उपास 120। तो इसका सही जवाब होगा उपास 120। अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की शीघ्र पकने वाली जातियां प्रभात व उपास 120 के बाद गेहूं की फसल आसानी से ली जा सकती है। अरहर की अन्य किस्में टाइप 7, शारदा, मुक्ता, लक्ष्मी, बहार, बसंत, पूसा 2002, ICPH 2673 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ पैडी, धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की गहनता है। तो इसका सही जवाब होगा 133.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंटरक्रॉपिंग सिस्टम रिड्यूसेस विल्ट इन्फेस्टेशन इन चिकपी, कौन सी सह फसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है। तो इसका सही जवाब होगा चिकपी एंड लिनसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच हर्बिसाइड कंट्रोल्स कांस इफेक्टिवली, कौन सा त्रिनाशक कांस को समूल रूप से नियंत्रित करता है, 2,4-D, सिमाजीन, आइसोप्रोटन, ग्लाइफोसेट। तो इसका सही जवाब होगा ग्लाइफोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज सेड टू बी प्रॉफिटेबल व्हेन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज, अंतः फसली खेत लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक LIR होता है मोर देन 1। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंडर ड्रॉट द सॉर्गम प्लांट सिंथेसाइज धुरिन इज, मतलब कि सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग से धुरिन का संश्लेषण होता है। हमारे पास ऑप्शन है रूट्स जड़ों के द्वारा, लीव्स पत्तियों के द्वारा, शूट्स तने के द्वारा या फिर ऑल द प्लांट पार्ट। इसका सही जवाब होगा पहला वाला, रूट्स के द्वारा, मतलब कि जड़ों के द्वारा। ज्वार के पौधों में HCN या प्रुसिक धुरिन पैदा होता है जो पौधों की छोटे अवस्था में इसका एकत्रीकरण ज्यादा होता है। सामान्यतः ऊपरी पत्तियों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। सूखे की स्थिति में धुरिन का संश्लेषण जड़ों में होता है। 0.5 ग्राम HCN पशुओं के मृत्यु के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट, मतलब कि गेहूं शोध निदेशालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, बेंगलोर में, करनाल में या फिर लुधियाना में। तो इसका सही जवाब होगा करनाल में। 1965 में अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की स्थापना ICR द्वारा IARI में स्थापना किया गया था। AICWIP को 1978 निदेशालय का दर्जा दिया गया। बाद में 1990 में डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR को करनाल हरियाणा में स्थानांतरित किया गया था। इसमें जौ का नाम भी जोड़कर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट वीट एंड बार्ले इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज, केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आगरा में है, देहरादून, चंडीगढ़ या फिर उटकमान। तो इसका सही जवाब होगा देहरादून में है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्रीडा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी जोधपुर में है।
सेंट्रल रॉयल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI करनाल हरियाणा में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस IISS ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर पोटेंशियल सॉयल वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट्स, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों के लिए उपलब्ध होता है, अबव 15 बार प्रेशर, माइनस 31 बार प्रेशर, बिटवीन 0.3 बार प्रेशर टू 15 बार प्रेशर। तो इसका सही जवाब तीसरा वाला, 0.33 बार दाब से 15 बार दाब मुरझान बिंदु जल विभव का जल पौधों के लिए उपलब्ध रहता है, इस जल को अवेलेबल वाटर कहा जाता है। मृदा में कैपिलरी वाटर 0.33 एटीएम से 31 एटीएम के बीच में धारित रहता है और अवेलेबल वाटर 0.33 एटीएम से 15 एटीएम तक धारित रहता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस क्रॉप इज, मतलब कि धान की फसल की जल मांग क्या होती है, 1500 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर या फिर 900 मिलीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर राइस क्रॉप इज 1500 मिलीमीटर। यहाँ पे कुछ फसल दी गई है और उनकी जल मांग मिलीमीटर पर हेक्टेयर में दिया गया है, तो धान के लिए 1430 से 1670 जो एवरेज है 1500 मिलीमीटर पर हेक्टेयर लगता है। देसी गेहूं के लिए 250 से 310 मिलीमीटर पर हेक्टेयर, मैक्सिकन गेहूं के लिए 420 से 450 मिलीमीटर पर हेक्टेयर, गन्ना के लिए 1500 से 1600 मिलीमीटर पर हेक्टेयर, आलू के लिए 620 से 780 मिलीमीटर पर हेक्टेयर, कपास के लिए 560 से 620 मिलीमीटर पर हेक्टेयर तथा तंबाकू के लिए 620 से 780 मिलीमीटर पर हेक्टेयर पानी की आवश्यकता होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज नोन एज, एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों को उगाने को क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग या फिर मिक्स क्रॉपिंग। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर मल्टी स्टोरी की बात की जा रही है, मतलब कि एक स्थान पर एक ऊंचाई और डिफरेंट ऊंचाई की फसलें बुआई की जा रही है, तो वो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। भूमि के किसी निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ बोना बहुमंजिली खेती कहलाता है, जैसे नारियल, काली मिर्च, लौंग, बरसीम, नारियल, सुपारी, केला आदि। एक वर्ष में तीन या अधिक फसलें लेना सघन खेती, जिसको मल्टीपल क्रॉपिंग और इंटेंसिव कल्टीवेशन कहलाता है, जैसे बाजरा, गेहूं, सरसों आदि। एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित खेती कहलाता है, जैसे गेहूं, सरसों, अरहर प्लस मूंगफली आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी इज एस्टिमेटेड टू बी, नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है 15 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 50 से 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर या फिर 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, 15 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, एक प्रकार की साइनोबैक्टीरिया है जो स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता रखती है। ये मृदा में लगभग 15 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजोला जो होता है वो 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का स्थिरीकरण करता है। फैंकिया सहजीवी जीवाणु द्वारा 30 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सोयाबीन इज, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु है उसको क्या कहते हैं, पहला है राइजोबियम लिग्युमिनोसेरम, दूसरा है राइजोबियम फैसियोला, तीसरा है राइजोबियम मिलिलोटी और चौथा है राइजोबियम जपोनिकम। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो सोयाबीन में करता है उसका नाम है राइजोबियम जपोनिकम। अब यहाँ पर कुछ फसल दिए गए हैं और उनके साथ सामने जो है राइजोबियम प्रजाति दी गई है, जैसे सोयाबीन में राइजोबियम जपोनिकम, मसूर और मटर में राइजोबियम लेग्युमिनोसेरम, बरसीम में राइजोबियम ट्राइफोलाई, लूसर्न में राइजोबियम मिलोटी और मूंग तथा उर्द में राइजोबियम फैसोली होता है।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच टेस्ट टेट्राजोलियम क्लोराइड इज यूज, टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है, सीड जनरेशन में, सीड वायबिलिटी में, सीड प्योरिटी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं हम लोग सीड प्योर सीड वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। टेट्राजोलियम क्लोराइड या ब्रोमाइड नामक रसायन के 1% घोल में बीजों को डुबोते हैं जिससे जीवित बीजों का रंग लाल हो जाता है। इस विधि द्वारा तीव्र गति से बीज की जीवन क्षमता का ज्ञात करते हैं। इस परीक्षण को हम लोग जैविक टेस्ट भी कहते हैं। KMNO4 विधि द्वारा भी पौधों की जीवन क्षमता का ज्ञात करते हैं। प्रोडक्ट परीक्षण विधि अंकुरण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग अमाउंट ऑफ यूरिया, मतलब 1 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है कितना यूरिया के लिए बराबर होता है, 4.25 किलोग्राम पर किलोग्राम, 6.75 किलोग्राम, 2.22 किलोग्राम, या फिर 3.25 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, 2.22 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल, सीरियल के लिए कौन सी भूमि सबसे अच्छी होती है। हमारे पास ऑप्शन है एलुवियल सॉइल्स, रेड सॉइल्स, लैटराइट सॉइल, या फिर ब्लैक सॉइल। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, एलुवियल सॉइल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज डिजीज इज कॉज्ड बाय, मक्के में सफेद कल की बीमारी किसके कारण होती है, आयरन की डिफिशियंसी से, जिंक की डिफिशियंसी से, मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से, या फिर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से। तो इसका सही जवाब होगा जिंक की डिफिशियंसी से व्हाइट बर्ड ऑफ मेज होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड मुख्यतः जिंक तत्व की कमी के कारण होता है। इस रोग में पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियां सफेद रंग की हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर बुआई के साथ प्रयोग करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज टर्म्ड एज, अकार्बनिक नाइट्रोजन के कार्बनिक नाइट्रोजन में रूपांतरण को कहा जाता है, मिनरलाइजेशन, मोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, या फिर नाइट्रिफिकेशन। तो उसका जवाब होगा पहला वाला, मिनरलाइजेशन कहता है उसको। मिनरलाइजेशन क्या होता है, नाइट्रोजन खनिजीकरण वह प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक नाइट्रोजन का अधिक गतिशील अकार्बनिक रूप अमोनियम एवं नाइट्रेट में रूपांतरण होता है। एमिनाइजेशन अमोनिकरण तथा नाइट्रिकरण प्रक्रम इसमें सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सॉइल इज अ मेजर ऑफ, भूमि में पाए जाने वाली कार्बनिक कार्बन की मात्रा मापन है, अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फास्फोरस, अवेलेबल पोटास, या फिर अवेलेबल कैल्शियम। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, अवेलेबल नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा, सैलाइन अल्कली सॉइल्स आर जनरली डिफिशिएंट इन, लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है, वो किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन एंड जिंक की, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, नाइट्रोजन एंड सल्फर की, फास्फोरस एंड सल्फर की। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, नाइट्रोजन एंड जिंक की कमी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी रेड सॉइल इज फाउंड, मतलब यूपी का कौन सा ऐसा वो है जिला है जहां पर लाल मिट्टी पाई जाती है, कानपुर में, ललितपुर में, इटावा में, या फिर बनारस में। तो इसका सही जवाब होगा ललितपुर। भारत में लाल मृदाओं का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग मील है। यह मृदा संपूर्ण तमिलनाडु, मैसूर, उड़ीसा, बंबई प्रांत के दक्षिण पूर्वी भाग में तथा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तथा छोटा नागपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर जिले में मुख्य रूप से ये पाई जाती है, जबकि ललितपुर के कुछ भाग में लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स आर रिच इन, कपास की काली मृदा में अधिकता होती है, वो किसकी अधिकता होती है, इलाइट की, माउंट मोरिलोनाइट की, क्योलोनाइट की, या फिर हेलोसाइट की। तो कपास की जो काली मिट्टी होती है उसमें माउंट मोरिलोनाइट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच मटेरियल कैन नॉट बी मिक्स्ड विद सुपरफॉस्फेट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग सुपरफॉस्फेट से नहीं मिला सकते हैं, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर पोटेशियम साइनाइड। तो उसका सही जवाब होगा सी वाला, सुपरफॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट साथ नहीं मिक्स कर सकते हैं। सुपरफॉस्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट साथ नहीं मिलाना चाहिए, जबकि अमोनिया सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड के साथ सुपरफॉस्फेट को मिलाया जा सकता है।
जबकि यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में प्रयोग करने से थोड़ा पहले मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन कंपेरिजन टू पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल बल्क डेंसिटी इज, मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, समान होता है, या इसमें से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, कम होता है। मृदा में बल्क डेंसिटी कण घन पार्टिकल डेंसिटी की तुलना में कम होता है। अधिकांश मृदाओं में स्थूल घनत्व 1.02 से 1.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि मृदाओं का कण घनत्व का परिसर 2.5 से 2.7 तक तथा औसत मान 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कार्बनिक पदार्थों का कण घनत्व 1.2 से 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। बल्क डेंसिटी जो है वो ऑलवेज लेस देन पार्टिकल डेंसिटी, मतलब जो बल्क डेंसिटी होती है वो पार्टिकल डेंसिटी से हमेशा कम होती है। बल्क डेंसिटी 1 से 1.02 से 1.8 ग्राम तक होती है तथा पार्टिकल डेंसिटी 2.5 से 2.7 होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यूरिया कंटेन्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का रूप है अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमाइड। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला, यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का रूप होता है अमाइड। नाइट्रोजन जो उर्वरक है अमाइड उर्वरक यूरिया, बायूरेट यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, नाइट्रेट उर्वरक सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम उर्वरक होते हैं अमोनिया सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पाइराइट्स में उपस्थित गंधक का रूप है, पाइराइट्स कंटेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड या फिर थर सल्फेट। तो इसका सही जवाब है तीसरा वाला, सल्फाइड। पाइराइट्स खनिज में गंधक सल्फर सल्फाइड Fe2 में उपस्थित होता है, इसे आयरन पाइराइट भी कहते हैं। ये गहरे सुनहरे पीले रंग के खनिज होते हैं, इसलिए इन्हें झूठा सोना भी कहा जाता है। इसका प्रयोग क्षारीय भूमि में सुधारने के सफलतापूर्वक किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच क्रॉप मॉलिब्डेनम रिक्वायरमेंट इज हायर, किस फसल में मॉलिब्डेनम की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, मक्का में, गेहूं में, मटर में या फिर आलू में। तो उसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, मटर में। मॉलिब्डेनम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होते हैं, वह नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। इनकी कमी से दलहनी पौधों की जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमजोर रह जाती हैं। इसकी कमी से फूलगोभी में विप्टेल रोग हो जाता है, मतलब कि अगर मॉलिब्डेनम की कमी है तो फूलगोभी में विप्टेल रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीम केक एक्ट एज, नीम की खली का प्रयोग करते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोमोटर में, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में, यूरिया हाइड्रोलाइसिस पैरामीटर में, यूरिया हाइड्रोलाइसिस इनहिबिटर में। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर में करते हैं। नीम की खली का प्रयोग करने से नाइट्रीकरण की क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन की हानि काफी हद तक कम हो जाती है। भारत में नीम और करंज खलियों में यूरिया को उपचारित करने के बाद प्रयोग करने से उर्वरक की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। अभी 27 जुलाई को ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। यह यूरिया सल्फर कोटेड होता है और सल्फर की कमी को पूरा करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, Why is urea super granul placed in paddy field at some depth? धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेनुल की स्थापना कुआं गहराई मतलब कुछ गहराई पे क्यों करते हैं? टू रिड्यूस नाइट्रोजन लीचिंग, टू रिड्यूस यूरिया हाइड्रोलाइसिस, टू रिड्यूस डीनाइट्रिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, टू रिड्यूस नाइट्रोजन लीचिंग। धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेनुल 1 से 3 ग्राम वाली यूरिया की गोलियां की स्थापना कुछ गहराई पर नाइट्रोजन की हानि को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, या मंद गति से नाइट्रोजन मुक्त करने वाला उर्वरक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक खनिजों के उदाहरण है? माइका एंड माउंट मेरिलोनाइट, फेल्डस्पार एंड इलाइट, वर्मिकुलाइट एंड क्वार्ट्ज, या माइका एंड फेल्डस्पार। तो इसका सही जवाब चौथा वाला, माइका एंड फेल्डस्पार। प्राथमिक खनिज एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हार्नब्लेंड, ओलिवाइन, कैल्शियम कार्बोनेट। द्वितीय जो खनिज हैं, जियोथाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, एपेटाइट, लाइमोहाइट, हिमेटाइट, गिप्साइट आदि। अगला जो क्वेश्चन हमारा,
वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, मतलब कि जो एनवायरमेंट होता है उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट तक पाई जाती है? 81%, 79%, 77% या फिर 75%? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, 79%। लेकिन सही में जो पाया जाता है वो 78% तक पाया जाता है। वायुमंडल में गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, H2O 0.05 से 1%, आर्गन 0.93% पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी? निम्नांकित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? एंटीसोल, एल्फिसोल, एडोसोल या फिर वर्टिसोल? तो इसका सही जवाब होगा वर्टिसोल। अगला जो क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस व्हेन द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 4? यदि किसी विलयन का पीएच मान 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने गुना बढ़ जाएगी? 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना या फिर 100 गुना? तो इसका सही जवाब होगा 100 गुना, ये बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि किसी मृदा में कार्बनिक कार्बन 0.6% हो तो उसमें नाइट्रोजन किस स्तर तक होगा? वेरी लो, लो, मीडियम या फिर हाई? तो इसका सही जवाब होगा मीडियम हो जाता है। मृदा अवयव में जैविक कार्बन का परसेंट अति निम्न होगा तो 60.20 तक, निम्न होगा 0.21 से 0.50, मध्यम होगा 0.51 से 0.80, हाई होगा तो 0.80 से ज्यादा होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच वन इज द स्टेम नोड्यूलेटिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप? कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथियां पाई जाती हैं? सस्वेनिया कुलाटा, कुटुलिया जेंसिया जिसको सनई बोलते हैं, सस्वेनिया रोस्ट्राटा या फिर काउपी? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, सस्वेनिया रोस्ट्राटा। दक्षिण भारतीय क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा आदि में ढैंचा की एक विशाल प्रजाति जायंट ढैंचा भी है जिसे सस्वेनिया रोस्ट्राटा कहते हैं, जिसके तने पर भी 1 मीटर की ऊंचाई तक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो वायुमंडल नाइट्रोजन की भूमि की स्थिरता करती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मिनरल सॉइल इज यूजुअली, खनिज मृदाओं का कण घनत्व प्राय होता है वो कितना होता है? अभी मैंने बताया है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यह होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, केमिकल अमेंडमेंट फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉइल, एल्कली सॉइल का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, कैल्शियम फास्फेट के द्वारा या फिर कैल्शियम सल्फेट के द्वारा? तो इसका मैनेजमेंट हम लोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट के द्वारा। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CS4H2O, इसमें 23.2% कैल्शियम, 18.65% सल्फर तथा 20.9% जल होता है। 1 हेक्टेयर भूमि को सुधारने के लिए 150 से 400 क्विंटल जिप्सम की आवश्यकता होती है। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए निम्न रसायन का प्रयोग किया जाता है, घुलनशील कैल्शियम लवण, कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम, फास्फोरस जिप्सम आदि। कम घुलनशील कैल्शियम लवण, चूना पत्थर, चूना पदार्थ, अम्ल तथा अम्ल उत्पादक पदार्थ, सल्फर, गंधक का अम्ल, पायराइट, चूना सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कोबाल्ट इज एसेंशियल फॉर राइजोबियम टू सिंथेसाइज, राइजोबियम के लिए आवश्यक है कोबाल्ट संश्लेषण करने हेतु, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन ए? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन B12। दलहनी या दाल वाली फसलों में सहजीवी नाइट्रोजन एकत्रीकरण में कोबाल्ट सहायक है तथा विटामिन B12 के निर्माण में सहायक, जो कि नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाली ग्रंथियों में लिथोमेग्लोबिन के निर्माण में सहायक है जो राइजोबियम के लिए आवश्यक होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम इन सॉइल पीएच रेंज, सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि पीएच विस्तार है 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7 या फिर 7 से 8? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, 6 से 7। मृदा विलयन के पीएच के अनुसार उनमें उपस्थित फास्फेट आयन का प्रकार बदलता रहता है। क्षारीय माध्यम में PO4 तथा अम्लीय माध्यम में H2PO4 आयन की प्रधानता होती है। पीएच 6 से 7 पर स्थिरीकरण कम होता है, इसलिए इस पीएच पर फास्फोरस की प्राप्यता पौधों को अधिक होती है। पौधे का पीएच 7.5 से जब ऊपर फास्फोरस का प्रयोग करने में असमर्थ है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच एंजाइम ऑफ फास्फोरस इज मैक्सिमम इन सॉइल पीएच रेंज,
कौन एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सहायक होता है? नाइट्रोजनेज, कैटलेज, यूरिएज या फिर हाइड्रोजनेज? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, यूरिएज है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच टेक्सचर हैज वेरी हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास? किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल भूमि अधिक होता है? सिल्ट, क्ले, सैंड या फिर ग्रेवल? तो इसका सही जवाब होगा क्ले। क्ले का इकाई क्षेत्र में पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। क्ले कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। मोटे तौर पर यह अनुमान है कि एक घनफुट बालू का खुला हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 1/2 एकड़ के बराबर होता है और दोमट का 10 एकड़ तथा क्ले मिट्टी का 100 एकड़ के लगभग होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, रिकमेंडेड डोज ऑफ जिंक सल्फेट फॉर फोलियर एप्लीकेशन इन पैडी क्रॉप, धान की फसल में पर्णे छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संतुलित मात्रा कितनी होती है? 2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 7.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर या फिर 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। धान में खैरा रोग से बचाव हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर इज नॉट बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैव उर्वरक नहीं है? राइजोबियम, एस्पर्जिलम, एजोटोबैक्टर या फिर एजोला? तो इनमें से एजोला जो है वो जैव उर्वरक जीवाणु नहीं है। एजोला एक जलीय फर्न है, वाटर फर्न है, या एनाबिना एजोली नामक नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी के पृष्ठीय पत्तियों के खोहों में सजीवी अणुजीवी के रूप में पाया जाता है। बीजीय और एजोला के पारस्परिक सजीवन के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सूरजमुखी मालवेसी, मूंग बीन लेगुमिनेसी, मस्टर्ड क्रूसीफेरी, राइस ग्रामनी। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे मूंग जो है लेगुमिनेसी फैमिली का है, ये तो सही हो गया। मस्टर्ड जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली का है। धान जो है ग्रामनी फैमिली का है, जिसको पोएसी बोलते हैं। इनमें से जो सूरजमुखी है वो मालवेसी फैमिली का नहीं है, इसलिए ये सही इसमें से नहीं है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं फसल और उनके फैमिली दिया गया हुआ है। मालवेसी में कपास और पटसन आते हैं, कंपोजिटी में सूरजमुखी आता है, लेगुमिनेसी में चना, उर्द, मूंग, ग्वार, मसूर, सोयाबीन, बरसीन, लूसन, मटर, अरहर, जितने भी दाल वाली फसलें होती है वो लेगुमिनेसी में आती हैं। क्रूसीफेरी में सरसों, राई, लाही, तारामीरा व गोभी आती है। ग्रामनी या जिसका नया नाम पोएसी है, उसमें धान, सभी सीरियल क्रॉप आते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, गन्ना, कोदो, सावा, गिनी घास व नेपर घास इसमें आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया होती है स्ट्रोमा में होती है, ग्रैना में होती है, न्यूक्लियस में होती है या फिर माइटोकांड्रिया में होती है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। अगला जो क्वेश्चन हमारा, फेरोमोन ट्रैप्स आकर्षित करता है मेल मॉथ को, फीमेल मॉथ को, कैटरपिलर्स को या फिर फीमेल बग्स को? इसका सही जवाब होगा पहला वाला, मेल मॉथ को ये अट्रैक्ट करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, साइनोगैस पंप से पंप किया जाता है जिंक फॉस्फाइड पाउडर, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कैल्शियम साइनाइड पाउडर? तो उसका जवाब होगा चौथा वाला, कैल्शियम साइनाइड पाउडर। साइनोगैस पंप एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग धूमर विषयों के लिए किया जाता है। इस पंप की बनावट सरल होती है, यह प्रायः साइनोगैस अथवा कैल्शियम साइनाइड पाउडर को पंप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द एडल्ट ऑफ व्हाइट ग्रब इमर्ज बिटवीन प्रौढ़ श्वेत गिटार के निकलने का समय होता है 6 से 8 बजे सुबह, 8 से 10 PM, 6 to 8 PM या फिर 4 से 5 AM? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, 6 to 8 PM। अगला जो क्वेश्चन हमारा, द मेजर इंसेक्टिसाइड फॉर द हनी बी प्रोटेक्शन इज, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशक कौन सा है? मिथाइल पैराथियन, डाइमिथिएट, फोसोलोन या फिर क्लोरोपाइरोफास? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, फेसोलोन।
मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी फोसुलान है। यह एक आर्गन फॉस्फेट ग्रुप का कीटनाशी है। इसका रासायनिक फॉर्मूला C12H15CiNO4PS2 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो करेक्टली मैच नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा डी वाला, मैंगो पेंटेड बग। यहाँ पे कुछ फसल दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड फेमस कीट दिए गए हैं, जैसे आम का हो गया मैंगो मिलीबग, जैसे नाम से लग रहा है मैंगो में लगता है। चना को होगा पॉड बोरर, चना में लगता है। मटर को होगा स्टम बोरर होगा। राइस सरसों को होगा आरा मक्खी, जिसको साफ फ्लाई कहते हैं। ज्वार में होगा सूट फ्लाई हो गया। कपास में होगा पिंक बॉल वर्म फेमस है। आलू का होगा पोटैटो ट्यूबर मॉथ हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, इसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है। क्रोसिडिफॉर्मोल लैंटाना द्वारा, डेक्लोपोस इंडिकस द्वारा, जैक्रोग्रामा बायोकोलांटा द्वारा, या फिर एगोसिल्कस हाइक्रोफ्लोरा द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, जैक्रोग्रामा बायोकोलांटा द्वारा। गाजर घास, जिसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, कि जैविक नियंत्रण के लिए जैक्रोग्रामा बायोकोलांटा के द्वारा इसको नियंत्रण कीट छोड़ते हैं, जिससे इसका मैनेजमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा इज मोर बेनिफिशियल फॉर, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभप्रद है दलहनों के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, शुगर केन के लिए, या फिर कॉटन कपास के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ए वाला, दलहनी फसलों के लिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग दलहनी फसलों में उकठा रोग के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा वृद्धि, ट्राइकोडर्मा हार जेनम एक कवक है जो विभिन्न सॉइल बॉन्ड रोगों से पौधों की रक्षा करता है। चना के उकठा रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा वीड 4 ग्राम पर किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके बुआई करते हैं। अन्य फसलों के मृदा गोड़ों रोगों से बचाने के लिए बुआई से पूर्व ट्राइकोडर्मा स्पीशीज से बीज उपचार करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, अर्धसूत्री विभाजन होता है जड़ में, तना में, पत्ती में, या फिर पराग कोष में। तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, पराग कोष में। अगला क्वेश्चन हमारा, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, अगला क्वेश्चन हमारा, द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, राई सरसों के फल को कहते हैं, बेरी, फली, नट, या फिर सिलिकुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं राई सरसों के फल को हम लोग सिलिकुआ कहते हैं। सिलिकुआ राई सरसों के फल को कहते हैं। कैप्सूल कपास और भिंडी धतूरा के फल को कहते हैं। कैरियोप्सिस गेहूं चावल मक्का के फल को कहते हैं। सिप्सेला सूरजमुखी गेंदा को कहते हैं। लोमेंटम बबूल मूंगफली इमली के फल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जीन्स का प्रतिकरण होता है F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में, या फिर F4 जनरेशन में। तो इसका सही जवाब होगा F1 जनरेशन में ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्योर लाइन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा W.L. Johnson ने ये किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच क्रॉप फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया डेवलप्ड, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ था। पर्ल मिलेट, कॉटन, सॉर्गम, या फिर मेज। तो इसका सही जवाब होगा पर्ल मिलेट। अगला क्वेश्चन हमारा, टिटकेल इज एन, टिटकेल क्या है। तो इसका सही जवाब होगा इंटरजेनिक क्रॉस है टिटकेल। अगला क्वेश्चन हमारा, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फ्रूट रैपेनिंग, फलों के पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन का, ऑक्सीजन का, इथाइलिन का, या फिर एसिटिलीन का। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, इथाइलिन का होता है। इथाइलिन गैस का उत्सर्जन फलों के पकते समय होता है। इथाइलिन को 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने पादप हार्मोन सिद्ध किया। केवल यह हार्मोन ही गैस के रूप में होता है। इथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द पीएच ऑफ गुड जेली इज, उत्तम जेली का पीएच होता है कितना होता है, 3, 3.2, 3.3, या फिर 3.4। तो जो परफेक्ट पीएच होता है जेली का वो 3.2 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन इज, C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है निग्लेबल, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल, एबव नॉर्मल। तो इसका सही जवाब का पहला वाला, निग्लेबल होता है। C4 पौधों के जो एग्जाम्पल है, जैसे मक्का, C4 प्लांट है मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चौलाई आदि में जल उपयोग क्षमता एवं प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। फोटो रेस्पिरेशन
की क्रिया नहीं होती है। सी3 प्लांट एग्जाम्पल है गेहूं, जौ, धान, सरसों, चना, मटर आदि। ये जल उपयोग क्षमता में प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट इज ड्यू टू, बैगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा सोलासोडीन के द्वारा ये होती है। ये बैगन में कड़वाहट सोलासोडीन नामक विषैले तत्व के कारण होती है। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन के द्वारा होती है। आलू का हरापन सोलेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के द्वारा होता है। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के द्वारा होता है। लहसुन में गंध एलाइसिन के द्वारा होता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्लेष्मिक पदार्थ भिंडी के किस भाग से निकाला जाता है? फूल से, पत्ती से, तना एवं जड़ से, या फिर फल से? तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, फल से। भिंडी के फल से श्लेष्मिक पदार्थ निकाला जाता है। इनकी जड़ों और तनों को गन्ने के रस से साफ करने के लिए किया जाता है। इससे गुड़ बनता है। भिंडी के फलों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके रेशे का उपयोग जूट, कपड़ा एवं कागज उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेजिटेबल फोर्सिंग रिफर्स टू, वेजिटेबल फोर्सिंग से तात्पर्य क्या है? बेमौसम का सब्जी उत्पादन, भूमि रहित सब्जी उत्पादन, छत पर सब्जी उत्पादन, या फिर बड़े बड़े पात्रों में सब्जी उत्पादन? तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, बेमौसम का सब्जी उत्पादन। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ग्रुप ऑफ वेजिटेबल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप, सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? कुकुरबिटेसी में, कोल क्रॉप में, सोलेनेसी में, या फिर रूट क्रॉप में? तो इसका सही जवाब होगा कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी फैमिली में सब्जियों की अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं, जैसे कद्दू हो गया, परवल हो गया, लौकी हो गया, करेला, तरोई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब कुकुरबिटेसी में आती हैं। सोलेनेसी फैमिली में बैगन, टमाटर, मिर्च, आलू, ये सोलेनेसी फैमिली में आती हैं। कोल क्रॉप में फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, ये सब कोल क्रॉप में आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सुटेबल सीजन फॉर प्रूनिंग एप्पल प्लांट इज, सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त मौसम है? समर सीजन में, रेनी सीजन में, विंटर सीजन में, या फिर किसी भी मौसम में? तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, समर सीजन में। अगला क्वेश्चन हमारा, शुगर बेबी इज अ वैरायटी ऑफ, वाटरमेलन, कुकुम्बर, स्नैक गार्ड, या फिर मस्कमेलन? तो शुगर बेबी इज अ वैरायटी ऑफ वाटरमेलन। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। यह किस्म अमेरिका से लाई गई है। इसकी लता मध्यम लंबाई तक बढ़ती है। प्रत्येक फल का भार 4 किलोग्राम होता है। प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल उपज ये देती है। इसके फल बहुत मीठे होते हैं तथा 11 से 13% TSS इसमें होता है। तरबूज की अन्य किस्में अर्का मानिक, अर्का ज्योति, दुर्गापुर मीठा, पूसा बेदाना, W19, मोहिनी, MHW456111215 इसकी प्रजातियां हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, मेजर डिसऑर्डर ऑफ लीची इज, लीची का मुख्य विषमता है फ्रूट ड्रॉप, सनबर्न, गमोसिस, या फिर फ्रूट क्रैकिंग? तो इसका सही जवाब होगा फ्रूट क्रैकिंग। जैसा कि हम लोग ने देखा भी होगा कि लीची का फल जो है क्रैक हो जाता है, फट जाता है, तो यह उसका मेजर डिसऑर्डर है। पौधों के पोषक तत्व संबंधी विकार, लीची में फलों का फटना बोरान की कमी से होता है। सेब में फलों का कटना बोरान की कमी से होता है। अंगूर में हैंड एंड चिकन डिजीज जो होती है वो बोरान की डिफिशियंसी से होती है। आम में निक्रोसिस या ब्लैक टिप बोरान की कमी से होती है। नींबू में डाई बैक लिटिल लीफ ऑफ गमोसिस कॉपर की कमी से होता है। अनार में फलों का फटना बोरान की कमी से होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कैबर सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड एट, पत्ता गोभी के बेहन की रोपाई की जाती है 1 से 2 ट्रू लीफ स्टेज, 2 से 4 ट्रू लीफ स्टेज, 4 से 6 ट्रू लीफ स्टेज, या फिर 6 से 8 ट्रू लीफ स्टेज? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, 2 से 4 लीफ स्टेज। फूलगोभी की नर्सरी 4 से 6 सप्ताह में 2 से 4 लीफ स्टेज में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। रोपाई अगेती किस्मों में 45 सेंटीमीटर तथा 6 से 70 सेंटीमीटर व मुख्य फसल को 45 सेंटीमीटर और 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमाउंट ऑफ ऑयल एंड प्रोटीन इन सोयाबीन सीड, मतलब कि
सोयाबीन में तेल का परसेंट और प्रोटीन का परसेंट कितना होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और वह होती है 40 से 42% होती है, तथा ऑल परसेंट जो है 20% तक पाया जाता है। सोयाबीन में 42% तक प्रोटीन पाया जाता है तथा 20% तेल पाया जाता है। मूंगफली में 26% तक प्रोटीन पाया जाता है तथा 45% तक तेल पाया जाता है। तिल में 18 से 20% तक प्रोटीन पाया जाता है तथा 46 से 52% तक तेल पाया जाता है। कुसुम में 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है तथा 26 से 36% तक तेल पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट स्पिरेशन रेट, किसमें सबसे कम श्वसन दर होता है? प्याज में, मटर में, गाजर में या फिर पार्सले में? तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, ओनियन में। अधिकतम कम श्वसन दर वाली होती है आलू और प्याज। कम श्वसन दर वाली फसलें हैं बंद गोभी, शलजम, शकरकंद। अत्यधिक श्वसन दर वाली होती है मटर, पालक, सरसों, चौलाई, सतावर। अधिक श्वसन दर वाली होती है सेम और सलाद। अगला क्वेश्चन हमारा, थिकनेस ऑफ पॉलिथिन फिल्म ऑफ मल्चिंग गुआवा ऑर्चर्ड इज, अमरूद के बाग में पलवार हेतु प्लास्टिक पर्त की मोटाई होती है कितना होती है? 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 75 माइक्रोन या फिर 100 माइक्रोन? तो इसका सही जवाब होगा चौथा वाला, 100 माइक्रोन। अमरूद के बाग में मल्चिंग की मोटाई 100 माइक्रोन रखते हैं, पलवार नमी संरक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सीड प्लॉट टेक्निक इज फॉलोड इन, सीड प्लॉट टेक्निक किसमें अपनाई जाती है? आलू में, गेहूं में, धान में या फिर मक्का में? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सीड प्लॉट टेक्निक जो है वो आलू में अपनाई जाती है। इसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के पुष्कर नाथ ने 1967 में उत्तरी भारत के मैदानों में रोगमुक्त बीज प्राप्त करने की विधि विकसित की है। अगला क्वेश्चन हमारा, सीड रेट ऑफ पपाया इज, मतलब पपीते का बीज दर कितना होता है? पपीते का बीज दर होता है 0.50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पपीते का प्रसारण बीज द्वारा होता है। पपीते की बीज दर 500 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। पौधों की दूरी, दोनों तरफ से पौधों की दूरी 1.8 मीटर रखने पर 250 ग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुआई करनी चाहिए दिसंबर से जनवरी में, फरवरी से मार्च में, मई से जून में या फिर जुलाई से अगस्त में? तो उसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, मई से जून में करना चाहिए। खरीफ मौसम की प्याज के सलकंदों की रोपाई जुलाई से अगस्त में की जाती है, जबकि बीज की बुआई मई जून में करनी चाहिए। रबी मौसम में पौधशाला में बीज अक्टूबर नवंबर में बोते हैं तथा रोपाई दिसंबर जनवरी में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द पेयर ऑफ कंटेनिंग नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, मतलब इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है उसका हम लोग को सिलेक्शन करना है। पपीता व फालसा, आम व अंगूर, नींबू व लीची या फिर फालसा व अमरूद? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, नींबू और लीची। नॉन क्लाइमेटिक फल वे फल होते हैं जो बिना इथाइलिन के पके और उनमें श्वसन दर तोड़ने पर कम हो जाती है, जैसे नींबू, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी आदि। मतलब इसको अगर हम लोग जब तोड़ देते हैं तो यह दोबारा नहीं पकते हैं, मतलब ये पकते नहीं है, तो इसको हम लोग नॉन क्लाइमेटिक फूड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप इज, अंगूर में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल है टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो इसका सही जवाब होगा ए, टार्टरिक एसिड। अंगूर के फलों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इसके फल में 24 से 28% शर्करा पाई जाती है। अंगूर की खेती के लिए पीएच मान 6.5 से 7.5 अच्छा होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड सकर्स ऑफ बनाना प्लांट should be used for propagation, 1 to 2 month, 3 to 4 month, 5 to 6 month, 10 to 12 month? तो इसका सही जवाब होगा 3 to 4 month। अगला क्वेश्चन हमारा, पूसा रोहिणी इज अ वैरायटी ऑफ, पूसा रोहिणी किसकी किस्म है? टमाटर की, ब्रिंजल की, चिली की या फिर कैप्सिकम की? तो इसका सही जवाब होगा पूसा रोहिणी इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो। पूसा रोहिणी टमाटर की किस्म है। टमाटर की अन्य किस्में जैसे पूसा उपहार, पूसा गौरव, मार्वेल, हिसार अनमोल, हिसार ललित, अंगूर लता, पंजाब केसरी वसुंधरा आदि होती हैं। पोटैटो वैरायटी रेजिस्टेंट ऑफ अर्ली एंड लेट ब्लाइटिस, अगेती व पिछेती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति हैं वो कौन कौन सी हैं? कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी
कुफरी अशोक या फिर कुफरी बादशाह। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला, कुफरी बादशाह। आलू की कुफरी बादशाह अगेती व पछेती अंगमारे अवरोधी प्रजाति है। पछेती झुलसा, अंगमारे प्रतिरोधी, कुफरी सिंदूरी, कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी बादशाह। अगेती अंगमारे प्रतिरोधी, कुफरी बादशाह, कुफरी जवाहर, कुफरी जवाहर, कुफरी ज्योति, कुफरी कंचन आदि है। अगर कुफरी नाम से कोई भी प्रजाति आती है तो वो आलू की प्रजाति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रोकली का खाने वाला भाग रूपांतरण है मेन बड, एक्सिलरी बड, सोलन इन्फ्लोरेसेंस या फिर स्टेम स्प्राउट। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा वाला, सोलन इन्फ्लोरेसेंस। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन गोल ऑफ ए प्रोडक्शन एक्टिविटी इज ए। किसी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है सकल आय अधिकतम करना, अर्न प्रॉफिट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट या फिर मिनिमाइज टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, लाभ अर्जित करना। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब इनमें से कौन सा है जो करेक्ट मैच नहीं है। प्रोजेक्टर मार्केट, प्रतियोगिता, टर्मिनल मार्केट, संचालन, होलसेल मार्केट या फिर विशिष्ट विश्लेषण भौगोलिक स्थिति। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, टर्मिनल मार्केट संचालन नहीं होता है। अंतः स्थल बाजार इसको टर्मिनल मार्केट पर कहते हैं, विशिष्ट क्षेत्र होते हैं या बाजार समुद्र तटों अथवा बंदरगाहों पर लगते हैं। इन बाजारों के माध्यम से कृषि उत्पाद दूसरे क्षेत्र का निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोडक्शन इज मेनली फंक्शन ऑफ, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः फैक्टर्स, कॉस्ट, प्राइसेस या फिर प्रॉफिट। तो इसका सही जवाब होगा प्रोडक्शन इज अ मेनली फंक्शन ऑफ फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्मिंग, इनमें से कौन सा जो खेती का प्रकार नहीं है। ड्राई फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर स्पेशलाइज फार्मिंग। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, खेती के जो प्रकार होते हैं विशिष्ट खेती, बहुप्रकारी खेती, मिश्रित खेती होती है। टाइप ऑफ फार्मिंग होते हैं शुष्क खेती, रैंचिंग खेती आदि। खेती पद्धति होती है निगमित खेती, सहकारी खेती, काश्तकारी खेती, सामूहिक खेती। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, निम्न में से कौन सा कृषि बीमा का प्रकार नहीं है। क्रॉप इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस, फार्मर पर्सनल इंसिडेंट एंड डिजीज, एग्रीकल्चर क्रेडिट इंश्योरेंस। तो इसमें चौथा वाला ये कृषि बीमा का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन एम ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया इज, भारत में कृषि मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा टू इंश्योर दैट फार्मर्स रिसीव ड्यू प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय कृषि प्रसार प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर में या फिर हिसार में। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, हैदराबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये भी हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन हमारा, लैब टू लैंड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, भारत में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरंभ हुआ था 1979 में हुआ था। भारत में प्रयोगशाला में खेत तक कार्यक्रम जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य साधन रहित किसान परिवारों को खेती की नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का कौन सा अंग नहीं है। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड या फिर रिवॉर्ड। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला, रिवॉर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, टेलीविजन, फेयर, रेडियो एंड एग्जीबिशन आर द मीडिया ऑफ, दूरदर्शन, मेला, रेडियो और प्रदर्शनी माध्यम है। ये सब माध्यम है मास कम्युनिकेशन के। अगला क्वेश्चन हमारा, इवेल्युएशन इज डन टू फाइंड आउट, मूल्यांकन किया जाता है आकलन हेतु, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंपैक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरली एट्रिब्यूटेड टू, भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक है गेहूं एवं धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां, उर्वरक का अधिक उपयोग, सिंचाई का अधिक उपयोग या फिर फसल सुरक्षा रसायनों का अधिक प्रयोग। इसका सही जवाब पहला वाला, गेहूं एवं धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां। भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक गेहूं एवं धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन तथा विश्व में हरित क्रांति के जनक
डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में। तो इसका सही जवाब होगा बनारस में। IIVR बनारस में है, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कालीकट में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी, प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए नीड बेस्ड, वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड असेस्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज नॉट द ग्रुप अप्रोच डिवाइस, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेशन, सिंपोजियम, वर्कशॉप या फिर फिल्म। तो इसका सही जवाब होगा फिल्म। अगला क्वेश्चन हमारा, इफिशियंसी ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है क्लैरिटी ऑफ आइडियाज एंड मूड ऑफ म्यूचुअली, केवल, मूड ऑफ म्यूचुअलिटी ओनली, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा क्लैरिटी ऑफ आइडियाज एंड मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। संचार एक ऐसी पद्धति है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इस प्रकार विचारों तथा तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं कि उनमें से प्रत्येक विषय के अर्थ तथा इसके प्रयोग को भली भांति समझता है। कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक मनोदशा को निर्भर करती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस का कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।